अकबर महान वर्सेज महाराणा प्रताप महान, हिंदू मुस्लिम। मुसलमान खराब है तो एपीजे कलाम को हटा दो अपने उससे। भैया हमारे हेल्थ की व्यवस्था करो, हमारे लिए एजुकेशन तैयार करो। बाबरी मस्जिद नहीं गिरानी चाहिए थी। भारत बनाम इंडिया, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख के गए थे वो तो इतने पढ़े लिखे लोग थे, 25% आज की पार्लियामेंट में नहीं है। बदनामी इज अ प्रिविलेज इन दिस कंट्री। देयर इज नथिंग कॉल्ड अनबायस्ड हिस्ट्री इन द वर्ल्ड, और वो जो अनबायस्ड है वो हमेशा बैन होती है। यूपीएससी की तैयारी किसको नहीं करनी चाहिए? सबको करनी चाहिए। 5 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ फरार, हम उसी में डूबे रहते थे। रटने वाली पढ़ाई बहुत डिप्रेशन पैदा करती है। तो 24 वाला चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ेंगे, लोकसभा तो बता दीजिए सर। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। छुटपने में पढ़ाई के दौरान एक कहावत कही जाती थी, हम लोग खूब कहते थे कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, दिन को रटो रात को दफा। लेकिन जब आप कथ्यों के जरिए, कहानियों के जरिए ऐतिहासिक तथ्यों को परोसते हैं तो आपको वो कथ्य भी याद रह जाते हैं और आपको वो ऐतिहासिक तथ्य भी याद रह जाते हैं। तो ऐसे ही कथ्यों के जरिए, ऐसे ही तथ्यों के जरिए सैकड़ों हजारों लोगों को यूपीएससी जैसे भंवर से निकालने वाले शिक्षक अवध ओझा सर आज के हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और चूंकि बात एक शिक्षक से होनी है, चूंकि बात एक गुरु से होनी है, तो आज मेरी बातें व्यक्तिगत तौर पे कम रहेंगी और एक जिज्ञासु के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे, एक छात्र के तौर पे आज मेरे सिर्फ भूमिका इतनी सी है कि मैं सर को सुनना पसंद करूँगा और जो हमारे छात्र यहाँ पर बैठे हैं उनके सवाल लेना पसंद करूँगा। और यही कोशिश हम पूरे अपने कन्वर्सेशन के दौरान करेंगे कि जो आपकी जिज्ञासाएँ हैं उनको सर के जरिए शांत किया जा सके। बाकी अब आपके हवाले हैं। लेकिन इनसे पहले सर, चूँकि बात कुछ थोड़ी सी मेरी बातें हैं, कुछ मेरे जो सवाल हैं वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर मैं छात्रों की तरफ। चूँकि बात शिक्षा की हो रही है, चूँकि मेरी बात एक शिक्षक से हो रही है और ख़ास तौर से विषय आपका इतिहास रहा है, तो कई बार होता यह है कि इतिहास के जो आप तथ्य परोसते हैं अपनी क्लास में तो कई बार पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने का खतरा बड़ा बना रहता है। इसको थोड़ा सा साफ लहजे में और मैं कहूँ तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि महाराणा प्रताप बहुत महान थे, लेकिन उनकी महानता तो यही थी ना कि उन्होंने अकबर जैसे शासक के सामने घुटने नहीं टेके, तो इसका मतलब है कि अकबर भी महान था। तो ये जो बाइनरी क्रिएट की जाती है कि अकबर महान वर्सेज महाराणा प्रताप महान, इसको जब आप क्लास में छात्रों के सामने डील करते हैं तो वो कैसे डील कर पाते हैं और क्या ये बाइनरी क्रिएट करना सही है? इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दो लोगों के लिए लिखा जाता है, एक एरिस्टोक्रेसी के लिए लिखा जाता है, शाही वर्ग के लिए। शाही वर्ग उसको पढ़ता है सीखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है वो एक डाइवर्सिफाइड एरिया है। कश्मीर जाओगे तो कश्मीरी कल्चर अलग है, कल्चर मतलब फूड और ड्रेस। अब कश्मीरी मुसलमान जो कपड़ा पहनेगा वो तमिलनाडु का मुसलमान नहीं पहनेगा, कश्मीरी हिंदू जो खाना खाएगा वो तमिलनाडु का हिंदू नहीं खाएगा। ये हो गया कल्चर, जो ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। अब डाइवर्सिफाइड कल्चर है, उस डाइवर्सिफाइड कल्चर को जो पहली बार अशोक पकड़ता है, देखता है, वो विजनरी आदमी है, विजडम है उसके पास, तो सोचता है कि नहीं यार हमें तो कल्चर को रिस्पेक्ट करना ही होगा। अब हम गुजराती से कैसे कह सकते हैं कि तुम चीनी मत खाओ, वो उसका कल्चर है। अब राजस्थान की औरत जब घूंघट करेगी तो हम उसे कैसे मना कर सकते हैं कि मत करो। तुम देखो राजस्थानी मेन जो है वो कितना बड़ा बड़ा साफा सर में बांधते हैं, पगड़ी जो है वो राजस्थान के पोशाक का हिस्सा है, क्योंकि सनरेज से जब हीट स्ट्रोक होती है डेजर्ट में तो मौत हो जाती है। तो तुम्हारी पगड़ी जितनी बड़ी, तुम जैसे कभी महाराष्ट्र जाओ, पुणे जाओ, मुंबई जाओ, तो वहां तुम देखोगे जो लोग बाइक चलाते हैं वो बाइक के ऊपर एक फर टाइप का कवर रखते हैं। किसकी वजह से? सन की वजह से। ये चीज तुम्हें श्रीनगर में नहीं दिखाई पड़ेगी। तो अब अशोक एक विजडम वाला आदमी है, राजा के पास तो विजडम ही होनी चाहिए ना। तो अशोक जब उसे देखेगा तो कहता नहीं यार सबका कल्चर रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें क्या लेना कल्चर से। राजा को कल्चर में इंटरफियर नहीं करना, राजा को एम्पायर चलानी है। एम्पायर किससे चलती है? इकोनॉमी से।
कश्मीर का आदमी हमें दे रहा 100 करोड़ रुपए कमा के, हमें ये देखना है। पंजाब का आदमी 100 करोड़ कमा के दे रहा है, बिहार का आदमी 100 करोड़ कमा के देखना है। बाकी वो कह रहे हैं भाई साहब हम तो लहंगा पहनेंगे, पहन भाई, हमें क्या लेना देना। अब अशोक क्या करेगा, धम्म चलाएगा, इस सारे कल्चर को यूनिफाई करेगा, सबको बोलेगा कश्मीरी कल्चर को रिस्पेक्ट करो, बिहारी कल्चर को, यूपी कल्चर को रिस्पेक्ट करो। फिर वही काम अकबर करेगा, वो अशोक से सीखेगा। तो ये तो हुआ एरिस्टोक्रेटिक पैटर्न ऑफ हिस्ट्री। लेकिन इसको पढ़ाने से वो जो अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो गई, पब्लिक को अट्रैक्ट करना है, पब्लिक को खींचना है, वो भी हिंदुस्तान जैसी पब्लिक जहाँ पे बेचारी जनता पढ़ तो ली पर सोच डेवलप नहीं कर पाई। डेमोक्रेसी का मतलब क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व, तो यू द पीपल ऑफ इंडिया हु आर द रूलर्स एंड योर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट, तो तुम अपने रिप्रेजेंटेटिव से क्या कहोगे कि भाई इंडस्ट्री लगाए नोएडा में, नहीं कहोगे भैया हमारे हेल्थ की व्यवस्था करो, ये जो पैसा आ रहा है हाँ हमारे लिए एजुकेशन तैयार करो। अगर समझदार पब्लिक होगी तो ये कहेगी, लेकिन अगर वो भावुक है, इमोशनल है, उसको इतनी सब बातें नहीं पता है, उसका सोचने का विजन इतना नहीं डेवलप हुआ है, फिर उसको कैसे अट्रैक्ट करोगे रिलीजन पे। फिर तुम उससे कहोगे कि अकबर एंड राणा प्रताप हिंदू मुस्लिम, मुसलमान बहुत खराब है, मुसलमान खराब है तो एपीजे कलाम को हटा दो अपने, उससे कोई व्यक्ति थोड़ी खराब है। तुम अगर देखो ऐसी कोई कम्युनिटी दुनिया में बताओ जो सारी पूरी कम्युनिटी अच्छी ही हो। तो अब क्या होता है, अब अगर कल इंडिया कम्युनिस्ट नेशन बन जाए तो कम्युनिस्ट क्या करेंगे, वो भगत सिंह को बना देंगे इंडिया का हीरो। जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तो उसको अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना होता है। हर गवर्नमेंट, हर पार्टी का अपना एक हीरो है, एम्बेसडर। जैसे कांग्रेस थी तो उसके पास गांधी जी थे, तो अगर गांधी जी ने कहीं गलती भी की है तो वो उसे ढक दे देती कि नहीं 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 महात्मा। बीजेपी आ गई, उसके आइडियल चेंज हो गए, तो अब उसके जब आइडियल चेंज हो गए तो उसने अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उठाया, अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, दीनदयाल उपाध्याय को उठाया, अच्छे लीडर हैं, वी डी सावरकर को उठाया। जब हमारा स्वदेशी मूवमेंट हुआ, वी डी सावरकर की कितनी बड़ी देन है, जब स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ तो 1905 का इंडिया नेशन है ही नहीं, नेशन कब बना 1947 में, 1905 का इंडिया नेशन नहीं है, 1905 का इंडिया 90% सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, 1905 का इंडिया 90% इलिटरेट। अब कैसे लोगों को बाहर लेकर आओगे मास मूवमेंट के लिए, क्या बोलोगे उनको। तो वी डी सावरकर ने 1857 को उठाया, बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब तुम लड़कियां तो घर में बैठी हुई थी, कोई तुम्हें निकलने नहीं दे रहा था, तो रानी झांसी को तुम्हारा आइडियल बनाया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो आइडियल चेंज हो गए। अब अगर कल कम्युनिस्ट आएंगे आइडियल चेंज हो जाएंगे, सबको वोट लेना है ना। तो हिस्ट्री, इसलिए मैं जब हिस्ट्री पढ़ाता हूँ कभी कभी तो लोग बड़े अप्रिशिएट करते हैं, कभी कभी कुछ लोग बहुत गाली देते हैं। कनाडा से मेरे पास कॉल आई 2 बार, बहुत बोलते हो मास्टर, तो AK-47 से छलनी करेंगे तुमको। मैंने कहा बेटा खिलौने वाले तो हमने भी चलाइए, और करीब मत आना मेरे, क्योंकि मैं टीचर बहुत बाद में बना हूं। मुझे एक बात इस देश में समझ में आ गई थी, आज भी आई, इसलिए मैं तुम लोगों से पर्सनली कहता हूं, पढ़ो और अपने आप को मजबूत भी करो, लड़ने की क्षमता रखो, लड़कियों को भी, कि अगर तुम्हारी तरफ किसी ने देखा डाल के निकाल लो, इतना क्या प्लीड करना। इस देश को ये सब चीजों की जरूरत है, यहां भगवान भी घूमता था तो वेपन लेके घूमता था भाई। यहां अगर कहीं दुकान दीवार पे लिखा है यहां थूकना मना है तो लोग थूक के प्राइड फील करते हैं, बताते हैं 4 लोगों को, वीडियो लेते हैं, यहां गए तो थूक दिए। तो हिस्ट्री का 2 वर्जन है। तो जब हम पढ़ाते हैं, चूंकि हमारे पास तो बहुत अच्छी मॉब आती है, IT का लड़का आता, IIM का लड़का आता, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आता, सब पढ़े लिखे लड़के आते, एक दो कहीं कहीं फंस जाते, एक दो ऐसा होता है कभी कभी। मैं लड़कों ने क्लास में हाथ उठाया, मास्टर साहब ये गलत भूल गए आप। मैंने क्या हुआ, आप तो गांधी जी को भगवान बना रहे। मैंने कहा भैया मैंने नहीं बनाया, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैं क्यों बनाऊंगा। आइंस्टीन कहता है कि आज से 100 साल बाद
दुनिया इस बात पे बिलीव नहीं करेगी कि कोई ऐसे हाड़ मांस का आदमी चलता था। तो चैलेंज होता है हमें, लेकिन चूंकि हम यूपीएससी के लड़कों को पढ़ाते हैं और यूपीएससी का 99% लड़का एक समझ लेकर आता है, तो जब वो उस चीज को कनेक्ट करता है कि अच्छा ऐसा किया था, तब वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया, अब हम लोग की वीडियोस वायरल होती, चंक कटते हैं उसमें से। अब उसमें से जैसे कोई मैंने कह दिया कि बहुत अच्छा किया उसामा बिन लादेन ने, उतनी लाइन काट के बाहर भेज दी, वो जा लादेन की तारीफ कर रहा है, अब वो गांव में बैठा हुआ देख रहा है, बहुत बोल रहा है मास्टर, तो वो तो थोड़ा सा झेलना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर बाकी लोग जब और भी चीज़ें देखते हैं तो माफ कर देते हैं, चल जाता है। अच्छा, एक सवाल मेरा व्यक्तिगत है, खुद के पेशे से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों हमारे ही कुछ हम पेशा लोग थे जो वरिष्ठ पत्रकार थे, उन लोगों ने एक बात कही ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, तमाम जगहों पे, कि हमें तो आज पता चला है कि चोल डायनेस्टी कितनी महान थी, हमें तो बचपन में पढ़ाया ही नहीं गया कि चोल डायनेस्टी कोई चीज़ थी, ये तो अब सरकार आई है तो वो बता रही है, इतिहास तैयार लिखा जा रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारत में कितने शानदार मंदिर बनाए थे। ये दिक्कत पढ़ाने वालों की है या पढ़ने वालों की है, या असल में कोई ऐसी दिक्कत है कि हमें पढ़ाया नहीं गया था? क्योंकि मुझे तो याद है कि मैंने पढ़ा है, मैं भूल गया, ये इसमें मेरी गलती है, इसमें आपके जैसे टीचर की तो गलती है नहीं कि आपने पढ़ाया नहीं। ये बात अगर कोई बैंक का क्लर्क कहे तो मैं मान लूँ, कोई अगर बैंक का क्लर्क बोले कि साहब हमको नहीं पढ़ा, मैं मान लूँगा। कोई पोस्ट ऑफिस का क्लर्क, मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे, जर्नलिस्ट, लॉयर, टीचर और डॉक्टर, इनको अगर ना भी कोई पढ़ाए तो पढ़ना चाहिए। मतलब जर्नलिस्ट को तो ये ट्वीट करना ही नहीं चाहिए, कल कहते हैं साहब हमने तो राष्ट्रकूट नहीं सुना था, वो भी बड़े फेमस लोग हैं राष्ट्रकूट, आज हिस्ट्री तो भरी पड़ी है ना अचीवमेंट्स है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य, गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है कि हिस्ट्री आपके लिए एक मास्टर बन जाए, टीचर, आप उससे सीखो, उस उद्देश्य को लेकर गवर्नमेंट हिस्ट्री लिखती है। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट चूंकि जिस पार्टी की होती है तो हर आदमी थोड़ा बहुत बायस तो होता ही, जैसे मैं तो इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि गांधी जी को जितनी स्पेस दी, थोड़ा सा भगत सिंह को भी देना चाहिए था, उनको भी देना चाहिए था, जनरेशन को पता चलना चाहिए था कि क्या आइडियोलॉजी थी, कैसे काम कर रहे, तो थोड़ा सा अंबेडकर को देना चाहिए। मतलब अंबेडकर को पढ़ने के बाद तो कोई भी साधारण सा आदमी रोने लगेगा, इतनी ह्यूमिलिएशन। मतलब मैं अंदर आ रहा हूँ, कोई मेरा हाथ पकड़ के बाहर कर दे कि बाहर बैठो, आदमी ह्यूमिलिएशन एक दिन बर्दाश्त कर सकता है, दो दिन करेगा रेगुलर, और वो आदमी जो रेगुलर बर्दाश्त कर रहा है उसको अपने गोल को लेकर कितना बड़ा कमिटमेंट रहा होगा। एल्फिनस्टोन कॉलेज में जब वो पढ़ने गए तो संस्कृत नहीं दिया गया उन्हें कि भाई अनटचेबल हैं तो संस्कृत नहीं पढ़ सकते, उन्होंने कहा ठीक है पर्शियन दे दो, आज तक उतने नंबर पर्शियन में किसी को नहीं मिले, उनकी डिग्रीज डीएससी पीएचडी छोड़ो, डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस पीएचडी के बाद की डिग्री, शायद ही तुम लोगों ने इतनी उम्र में किसी को देखा हो जो डीएससी की डिग्री लिया हो। तो जर्नलिस्ट अगर ये कह रहे हैं कि हमें चोलों के बारे में नहीं पता है तो शायद उन्होंने क्लास 12th की, हमारे यहाँ उसके वो मैं समझ सकता हूँ, वो उनका पॉइंट समझ सकता हूँ, हमारे यहाँ 10th के बाद ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ाई जाती, लोग पढ़ते भी नहीं, और 10th खराब माना जाता है, खराब माना आर्ट्स ले रहे हो, हाँ आर्ट्स बीए वाले आदमी को तो बर्बाद आदमी मानते हैं, वो तो कुछ मानते हैं, हाँ हाँ वो कहते हैं बड़े बड़े अजीब सी दृष्टि से देखते हैं, जैसे तुम शादी वादी में जाओ और बता दो बीए कर रहे हैं, तो मतलब वो जो दृष्टि होती है लोगों की कि पीछे हो गए बीए कर रहे हैं, उनको लगता है ये आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा जीवन में। तो 10th तक जो हिस्ट्री है उसमें डेक्कन और साउथ इंडिया को इतना प्रमोशन नहीं दिया गया, साउथ इंडिया और डेक्कन की जो हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा है क्लास 11th में, वो ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी नहीं, तो उसकी वजह से शायद, वरना अगर क्लास 11th की एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की आज भी तुम लोग पढ़ो तो उसमें एक स्पेशल चैप्टर है चोलास। मैं कांग्रेस रिजाइन की बात कर रहा हूँ, अभी नई वाली एनसीईआरटी, पुरानी वाली उसमें अलग चैप्टर है चोलास। पढ़ी है हम लोगों ने, है जैसे हम लोगों को नहीं भी पढ़ना था साइंस, पढ़ी भी,
जर्नलिज्म में आया तो फिर किताबें खरीदी हम लोगों ने एनसीईआरटी की, आज भी सारे किताबें मेरे पास हैं कि पढ़ेंगे भाई, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो खैर, एक मैं थोड़ा गंभीर सवाल ये है कि पिछले दिनों एक खूब चर्चा हुई थी एक बात की, भारत बनाम इंडिया। चूँकि आप इतिहास के टीचर हैं और आप इतिहास उन लोगों को पढ़ाते हैं जो पढ़कर कामयाब होकर इस देश का इतिहास रचने में अपनी महती भूमिका अदा करते हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, भारत बनाम इंडिया को? क्या ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक है या इसका कोई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है? भारत का मतलब है ज्ञान। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कितने मैच्योर लोग रहे होंगे। तुम अगर हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो प्रियम्बल, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है हम भारत के लोग। उसमें उन्होंने, वो चाहते तो हिंदी में इंडिया भी लिख देते, पर उन्होंने लिखा हम भारत के लोग। और जब तुम वही प्रियम्बल इंग्लिश में उठाओगे तो उसमें लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत एक ऐसा टर्म है जो शाश्वत है, इटर्नल, क्योंकि भारत का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज कभी इररिलेवेंट हो ही नहीं सकती, तो हम उस नाम को तो छोड़ ही नहीं सकते थे। जैसा आज हमारा युवा, हमसे बहुत सारे लोग मिलते हैं तो बोलते हैं सर आपको तो रोलेक्स और ओमेगा और राडो वाडो की वॉच पहननी चाहिए। मैंने कहा फिर क्या होगा? नहीं सर पहननी चाहिए। नहीं फिर होगा क्या? नहीं ठीक है, उसको पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी को प्रेफरेंस, तुम किस लिए जाने जाते हो? अपनी अंदर की पावर के लिए। तुम्हारी घड़ी कोई एक बार देखेगा, लेकिन जिसने भी एपीजे कलाम की इग्नाइटेड माइंड पढ़ी है ना, वो जिंदगी भर उसको याद रखेगा। तुम्हारी घड़ी पहनने से, तुम्हारा बहुत अच्छा शूज पहनने से, तुम्हारे बहुत अच्छा जैकेट पहनने से दुनिया नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारे विचारों से और तुम्हारे अचीवमेंट से दुनिया बदलती है। भारत उसको जिंदा रखने का एक माध्यम है, उस पुराने ज्ञान को जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। सोचो जिस बुद्ध के हरम में 2000 स्त्रियां हो, वो सारी स्त्रियों को मां मान ले रहा है, वो भी कितनी उम्र में, 35। तुम पेपर में देखते हो बहुत लोगों ने 60-65 पे शादियां की, उनको देखकर मैं बड़ा खुश होता हूं। खैर मेरी वाइफ पीछे बैठी हुई है तो ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो खैर, तो भारत वहां से जुड़ा है। इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया, उन्होंने जो भी बातें की, ट्रांजैक्शन किया, डील किया, इसमें इंडिया नाम इस्तेमाल किया। अच्छा शब्द है, मेगस्थनीज की एक किताब थी इंडिका, मेगस्थनीज एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार, वहां से यह शब्द आया इंडिया। पश्चिम के लोग यही शब्द इस्तेमाल करते। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद दो घटनाएं पैरेलली बड़ी इंपॉर्टेंट घटी, बड़ी इंपॉर्टेंट, आई और आई। पहली आई इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला रेलवे लाइन 1853 में मुंबई टू थाने। इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को जन्म दिया। क्या रिलेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का? 1853 रेलवे लाइन, 1854 कॉटन मिल, कहां? मुंबई में। इस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है इंडिया। ये जो तुम आज नेशन देख रहे हो ना, ये इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। तो जब हम कहते हैं इंडिया, तो इट्स अ न्यू आइडेंटिटी बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज एलन मस्क को पीछा कर रहे हो सब, एलन मस्क, ऐसे 100 इंडिया में भी तो होने चाहिए। आज तुम जो लड़कियां यहां आगे बैठी हो, किसकी वजह से बैठी हो? कैपिटलिज्म की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। 2000 साल पहले की हिस्ट्री उठाओ, फिर देखो वुमन की कंडीशन। आज अफगानिस्तान में देखो, छोड़ो हिस्ट्री, आज अफगानिस्तान में वुमन की कंडीशन देखो। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो वुमन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। चूंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, तो सोशल इंडिपेंडेंस कैसे होगी? कितना बड़ा रोल है इकॉनमी का। तो जब हम इंडिया कहते हैं तो वो न्यू आइडेंटिटी बताता है कि जैसे अमेरिका है मेड इन US, मेड इन चाइना, ऐसे हम किसी दिन दुनिया पे कब्जा करेंगे मेड इन इंडिया के नाम से। अलीशा चिनॉय जी ने बड़ा प्यारा गाना गाया, देखी है सारी दुनिया जापान से लेके रशिया, बस एक दिल चाहिए मेड इन इंडिया। तो इंडिया इज अ सिंबल ऑफ न्यू आइडेंटिटी एंड भारत इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज, द ओल्ड ट्रेजर ऑफ इंडिया। तो मेरा मानना है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख के गए थे वो तो इतने पढ़े लिखे लोग थे। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 25% आज की पार्लियामेंट में नहीं है। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब।
25 तो मैंने ज्यादा कह दिया, थोड़ी सी इज्जत रख ली। जब आज की बहस देखें और संविधान बनते वक्त की जो बहस देखें, जो नेहरू जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में हिटलर बोल दिया था, हिटलर, सिर्फ उस वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि आई हैव मिसबिहेव विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई हैव नो राइट टू सिट इन द पार्लियामेंट। क्या एटिकेट रहे होंगे उस वक्त। फिर नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, तुम यंग आदमी हो, थोड़ा तुम्हारा ब्लड ज़्यादा गर्म है तो कोई बात नहीं। तो लेकिन आज तो ये वही उन्हीं की पार्टी के एक नेता, वरिष्ठ मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं। अभी मेरा इंडिया छोड़ने का इरादा है नहीं। इसलिए आप इसमें कोई कमेंट नहीं करेंगे। एक बार बार बात होती है इतिहास की, तो इतिहास के पुनरावलोकन की भी बात होती है, इतिहास को नए सिरे से लिखने की भी बात होती है, इतिहास को नए सिरे से गढ़ने की भी बात होती है। कांग्रेस पार्टी आती है तो कुछ नए सिरे से इतिहास लिखने की कोशिश करती है, बीजेपी आ रही है तो बार बार, चूंकि 10 साल से ये सरकार है तो यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको वही बात याद होगी कि बीजेपी के दौर में ये बार बार कहा जा रहा है कि इतिहास का दक्षिण पंथ की तरफ ले जाया जा रहा है। जब कांग्रेस थी तो उस समय कहा जाता था कि उसको मार्क्सवाद की तरफ, मार्क्सवादी इतिहासकार उसको लिख रहे हैं, वामपंथी इतिहासकार लिख रहे हैं, और ख़ास तौर से अगर गांधी परिवार पर हमला करना होता था तो कुछ लोग उसमें नेहरूवियन इतिहासकार को भी लेकर के आ जाते थे कि ये तो नेहरू से प्रभावित पूरा इतिहास है। ये सच है क्या? क्या इतिहास तो इतिहास होता है, जैसा कि मैंने कहा कि तथ्य तो तथ्य होता है, अब उसको अपने तथ्यों में समेट करके क्या उस तथ्य को बदला जा सकता है, या वो बदला जा रहा है जिसकी बात बार बार हो रही है आज? बतौर इतिहासकार आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड अनबायस्ड हिस्ट्री इन द वर्ल्ड, होती नहीं, और वो जो अनबायस्ड है वो हमेशा बैन होती है, कोई उसे पढ़ना नहीं चाहता, सरकारें पढ़ने ही नहीं देंगी कोई भी। मैं जब हिलरी क्लिंटन जी की बुक पढ़ता हूँ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने कितने शैतानों को मारा और ये किया और वो किया, और गद्दाफी तो साक्षात शैतान का अवतार था, और सद्दाम हुसैन और ये वो। बड़ी प्यारी बुक उन्होंने लिखी, हिलरी क्लिंटन, दो लोगों ने लिखी, एक हेनरी किसिंगर ने लिखी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो भी बहुत अच्छी है, और एक हिलरी क्लिंटन ने लिखी द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इन दोनों के लोगों की किताब पढ़ने के बाद लगता है कि अमेरिका इज द गॉडली लाइक थिंग इन दिस वर्ल्ड, भगवान है, और उसका काम है कि जहाँ जहाँ धर्म का विनाश होगा वहाँ वो फिर से धर्म इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन फिर जब वहीं से हम उलटते हैं और क्रिस्टोफर कैथरवुड को पढ़ते हैं द वेस्ट एशियन क्राइसिस, तो पता चलता है कि नहीं यार, तेल इनका, रिसोर्स इनका, वे बेचारे अपने रिसोर्स को यूज करने के लिए आज़ाद नहीं है तो लड़ेंगे नहीं। तो देर इज नथिंग कॉल्ड अनबायस्ड हिस्ट्री। कहावत भी है कि जब तक शेर को लिखना नहीं आएगा तब तक शिकारी अपना गुणगान करेगा। तो अनबायस्ड हिस्ट्री जैसी कोई चीज होती ही नहीं, कुछ ना कुछ, हाँ कुछ कहीं कहीं ज्यादा होती है, कहीं कहीं कम होती है। फैक्ट तो सर एक ही रहेगा ना, मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1922 में चौरी चौरा का कांड हुआ, सबको पता होगा। 20 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, और 1922 में चौरी चौरा का कांड हुआ, 22 पुलिस वालों के साथ पुलिस थाना जला दिया, दैट वाज अटैक ऑन द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट पे हमला किया तो गवर्नमेंट तो रिटेलिएट करेगी। गांधी जी इमीडिएटली स्टॉप द मूवमेंट, बोले आई हैव नो फेथ इन वायलेंस। अब इस एक घटना को जब सुमित सरकार सर देखते हैं तो कहते हैं गांधी गॉट अफ्रेड ऑफ द राइजिंग सबअल्टर्न हिस्ट्री। 1922 रशियन रेवोल्यूशन हो चुका है, अवध किसान सभा बन चुकी है, ऑटक बन चुका है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लेबर फार्मर यूनियन बन रहे। तो सुमित सरकार सर उसको दूसरे चश्मे से देख रहे हैं, कह रहे हैं गांधी वॉज द फ्रेंड ऑफ कैपिटलिस्ट एंड जमनालाल बजाज एंड अंबालाल सारा भाई एंड दिस एंड दैट, और गांधी जी को लगा कि मजदूरों के उठने से और किसानों के उठने से पूंजीवादी खतरे में पड़ जाएंगे, तो गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। अब ये चश्मा है सुमित सरकार सर का, सही वो भी है क्योंकि तथ्य तो वो भी दे रहे हैं, तो ये भी है। लेकिन जब हम बिपिन चंद्रा सर को पढ़ते हैं वो पूरी स्टोरी बदल देते हैं, कहते हैं 1922 में हैंडफुल पीपल वेर स्टैंडिंग एंड गवर्नमेंट वुड हैव बीटन देम, एंड इफ दे वुड हैव बीन बीटन दे वुड हैव नेवर कम फॉर द मूवमेंट, सब मारे जाते। तो गांधी जी ने आंदोलन रोक के पब्लिक को मार खाने से बचा लिया।
क्या गांधी जी, हरे राम, वो भी सही है। आप किस चश्मे से, शब्दों के साथ एक बड़ी प्यारी चीज है, आप शब्द को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। भाई किसी लड़के ने किसी लड़की को कहा आई लव यू, उसने मारा एक चाटा, बोली बहन की तरह कहा था, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, किस इंटेंशन से लिख रहा है। लेकिन सर एक जो दिक्कत हो रही है हम लोगों को, या जो ये एकदम यंग जनरेशन है, इनको आप बताएंगे कैसे कि चौरी चौरा में क्या हुआ था। जैसे अगर आपको अभी चौरी चौरा का ही हमने उदाहरण लिया, इनको बताना है कि 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, हिंसा हो गई इस वजह से वापस लिया, एक लाइन का फैक्ट हो गया। इसको जब बताना होगा इन लोगों को कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या थीं, तो आप विपिन चंद्रा की बात मानेंगे या उस सर की बात मानेंगे? नहीं, हम दोनों अप्रोच लेके चलेंगे। यूपीएससी यही कहती है, कहती है आप दोनों स्टैंड को समझो, फिर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो डिसाइड करेगा। यूपीएससी क्या पूछती, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि द राइजिंग टाइड ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट इन 1920s बिकेम द मेजर फैक्टर फॉर द एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन 1922, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अब इनका आंसर अलग हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन होगा कि गांधी जी इंस्पायर्ड बाय द एग्जांपल ऑफ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 एंडेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन सेम पॉइंट से आया है, आंसर अलग होंगे। चलिए एक दो सवाल मेरे और हैं जिनको मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने इतिहास की बात की और सर इतिहास पढ़ाते हैं उन लोगों को जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं बेसिकली। तो एक सवाल जो मैं बार बार मेरे मन में उठता है, मैं और भी जो शिक्षक हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं इसी स्टूडियो में, उनसे भी पूछ चुका हूँ, यूपीएससी की तैयारी किसको नहीं करनी चाहिए? सबको करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि मेरा बिजनेस है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसकी वजह मैं बताऊँ क्यों करनी चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करने वाला आदमी कभी फेल नहीं होता। अगर आप आईएएस बन गए तब तो आप सफल ही हैं, वरना वो आपको मेरे जैसा टीचर बना देगी। इतना बोलेगा पब्लिक हाथ जोड़ लेगी, भाई साहब रहने दो कितना बोलोगे यार, किस किस मुद्दे पे बोलोगे। भाई हमें, जब तक मैंने यूपीएससी की तैयारी नहीं की थी, हमें पता ही नहीं था जीडीपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या है, बैंकिंग क्या है, पता ही नहीं था। हम तो न्यूज़पेपर उठाते थे, दैनिक जागरण, उसका पहला पेज पढ़ते थे, 5 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ फरार, हम उसी में डूबे रहते थे। भैया जब कुछ पता ही नहीं होगा तो पढ़ोगे क्या? पता तो होना चाहिए। हमें आईआर पता नहीं था क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन किसको बोलते हैं, अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, हम उसको पढ़ते थे। होली में बहनों ने बांधी मुख्यमंत्री को राखी, हम ये सब पढ़ते थे। गोली बंदूक एडिशनल होगा वहां का। हाँ बिल्कुल। अब क्या हुआ, जब यूपीएससी की तैयारी की और इंटरकनेक्टिविटी पता चली, इकोनॉमी हिस्ट्री पॉलिटी सबका कनेक्शन पता चला, तो दैनिक जागरण भी पढ़ते रहे क्योंकि आदत तो पुरानी है, और हिंदू पढ़ना शुरू कर दिया। तब पता चला कि 91 के बाद अमेरिका ने हमसे दोस्ती क्यों की, उसको पेप्सी बेचना है इंडिया में। पहले हमें लगता था जब हम 10th में थे 9th में थे तो हम इमोशनल रिलेशन सोचते थे कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो रूस वाले मिल के मारेंगे, तब हम सोचते थे कि रिश्ते इमोशनल लेवल पर होते हैं। अब हम सोचते हैं कि रिश्ते प्रॉफिट की वजह से होते हैं। जब हम क्लास 10th में थे तो मुझे लगता था R इज इक्वल टू E, मतलब रिलेशन इज इक्वल टू इमोशन। अब मेरा कॉन्सेप्ट है R इज इक्वल टू I, रिलेशन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज है लाइफ में, बहुत सारे इनमें से बहुत सारे लोग साइंस ही पढ़े होंगे, ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़े। ह्यूमैनिटीज पढ़ना बहुत जरूरी है, एनालिसिस जो पार्ट है जीवन का वो तुम्हें ह्यूमैनिटीज ही देगी, और पूरा यूपीएससी का एग्जाम ह्यूमैनिटीज बेस्ड है, हिस्ट्री इकोनॉमी पॉलिटी ज्योग्राफी। अब तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम सऊदी अरेबिया में टाई की दुकान थोड़ी खोलोगे, वहां कौन पहनेगा टाई, डेजर्ट है वो, टाई तो कोल्ड रीजन्स का है ना, टॉन्सिल हो जाती है ठंडक में, तो इस रीजन को कवर करना होता है। मैंने भी कहा ना ड्रेस एंड फूड डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। तो अब जब तुमने ज्योग्राफी पढ़ ली तो तुम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, भाई ये घूमने जा रहे हैं राजस्थान तो ये ब्लेजर लेके थोड़ी जाएंगे, नहीं आएंगे। तो ज्योग्राफी जिसको समझ में आती है, बड़ी प्यारी किताब है द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, बहुत प्यारी किताब, मतलब तुम्हें कभी मौका मिले तो इस किताब को जरूर पढ़ना, द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। बहुत मतलब उस किताब में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन ह्यूमन लाइफ,
और ज्योग्राफी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, कम्युनिकेशन, सब पढ़ाएंगे तुम्हें। तो सबको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन लेकिन पहला अटेम्प्ट बहुत सीरियसली देना चाहिए। कब देना चाहिए? जब आपको मेंस का आंसर लिखना आसान हो जाए तब। लोग पूछते ना कब हमें पता चले हमें आईएएस देना चाहिए। बिल्कुल यही अगला सवाल भी था मेरा। जब आप आईएएस के मेंस से क्वेश्चन देखें और आप लिखने लगे, आपको सोचना ना पड़े, और जब आप प्रीलिम्स से क्वेश्चन देखें और सॉल्व करने लगे, बस तब आपको आईएएस देना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, गॉड्स ब्लेसिंग, नहीं हुआ और आपका घर अफोर्ड कर सकता है तो आप सेकेंड भी दे दो। लेकिन सेकेंड में अगर नहीं होता है तो यू इमीडिएटली टेक अ यू टर्न, आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, कोर्ट जाना शुरू करो, आप डॉक्टर हैं तो आप अपना डॉक्टर का काम कुछ करो आप। उसके बाद अगर आप वहाँ रुके कि मतलब हम 4-5 अटेम्प्ट लगातार सा, कोई फायदा नहीं होता उससे, डिप्रेशन पैदा होता है, लगातार वही चीज़ आप पढ़ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। उनको क्या सलाह होगी सर, जो आप जैसा आप कह रहे हैं कि दूसरे के बाद यू टर्न आपको ले लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का आपका बिजनेस है, जिस पेशे में आप हैं, मुखर्जी नगर हम जाते हैं, हमारी साथी स्वर्णा यहाँ खड़ी हैं, ये गई थी, इन्होंने एक वीडियो किया था कि जो फेल हो जाते हैं उनका क्या होता है। उनमें से कई लड़कों ने ऐसा कहा कि हम कुछ लोग ऐसे हैं जो तो निकल जाते हैं, उस सदमे को बर्दाश्त कर लेते हैं, वो भी उनके घर वाले भी। कई लोगों की नियति कुछ दूसरी होती है, वो दुनिया को अलविदा कह देते हैं। ऐसे लोगों के लिए, चूँकि ये नई जनरेशन बैठी हुई है, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग पहली बार निकाल लें, दूसरी बार निकाल लें, तीसरे में हिम्मत हार जाएं, इन लोगों के लिए क्या सलाह है आपकी? जिनको भी लगता है कि वो हिम्मत हारेंगे, उनको सपना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सपना तो टूटेगा ही। सपने का मतलब यह है कि आप एडवेंचरस आदमी हो, खेलना जानते हो। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है जो आदमी को महान बनाती है, वह है रिस्क लेना। जब मैं आईएएस की तैयारी करने आया तो मेरे रिश्तेदार, मेरी माँ मुझसे बोली, तुम आईएएस की तैयारी करोगे? हाँ, मैंने कहा कर लेते हैं, मैंने सुना है बड़ी अच्छी नौकरी है। तो मेरे पिताजी से बोली कि क्या है, पैसा डूबो रहे हो अपना, जबकि वो वकील थी, वकील हैं। हमसे बोली, तुम्हें बॉटनी जूलॉजी में डिफरेंस पता है? मैंने कहा देखो, मुझको छेड़ो मत। मेरे एक सीनियर थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया मैं आज की तैयारी कर, वो उन्होंने हंसना शुरू किया, वो हंसते ही रहे 10 मिनट। फिर किसी तरह उनको लोगों ने कंट्रोल किया, फिर वो बोले, यार तेरा अगर आईएएस में हो जाएगा ना तो ढोलपुर हाउस बंद हो जाएगा। फिर मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे एक बार डर भी लगा कि यार ये सब मना कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगी। फिर मुझे लगा भीड़ तो पागल होती है, भीड़ का क्या, आप जब भी कोई काम भीड़ से बाहर निकल कर करते हो तो शुरू में बहुत अपोजिशन होती है, बहुत बहुत। इतना दिल से लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मेरे पास ऑप्शन है, आईएएस नहीं बने, टीचर बन गए, कल चुनाव लड़ जाएंगे, 60-65 साल के हो जाएंगे, ये सारे बाबा जो आते हैं ये सब मर चुके होंगे, फिर कमंडल वमंडल रख के प्रवचन करेंगे कि ये दुनिया माया है, ये स्त्री। इतने सारे ऑप्शन है, कुछ नहीं करना तुम्हें, कमंडल लेना है, 15-20 लड़कों को तैयार करना है कायदे के लोगों, और 10-20 ऑडियंस में तुम्हारे लोग कि बाबा जी हाँ 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 बताओ बच्चा, वो आपने वो जो बूटी दी थी तो हमारे घर में बच्चा हुआ, और वाह वाह प्रसाद भिजवाओ उनको, और बोलना है कि ये वुमन पैसा माया है मुझे दे दो। पब्लिक बड़ी खुश कि बाबा जी तो बहुत। इस देश में इतने ऑप्शन है, तावीज बनाना शुरू कर दो तुम। रात में 11 बजे टीवी खोलो, उसके बाद ऐड देखो, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर खोलो, उसमें ऐड देखो, प्रेम, सौतन, नौकरी, सब 24 घंटे में। मैंने भी एक बाबा को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा बाबा जी एक लड़की से प्रेम हो गया है। बोले बच्चा 5,000 रुपया लगेगा। मैंने कहा बाबा जी 10 10। कहे हाँ, लड़की का नाम लिखवा दो। मैंने कहा बाबा जी ऐश्वर्या राय, वो फ़ोन ही काट दिए। फिर मैंने मिलाया, कह रहे बदतमीजी कर रहे हो तुम। अब इसमें कहाँ बदतमीजी है, 50 ले लो। इस कंट्री में स्कोप बहुत है, क्योंकि यहाँ के लोग भोले बहुत हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, मूर्ख नहीं है, भोले हैं, सीधे हैं, उनको तुम बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो। कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी उनको समझा सकता है कि अरे ऐसा होगा, मुसलमान जनरेशन बढ़ रही है, फिर
फिर 10 साल बाद सारी कंट्री पे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, पाकिस्तान पे तो हो ही नहीं पा रहा, खाने बगैर मर रहे हैं, एक डॉट भर की कंट्री है इसराइल, देखो कल नेतन्याहू ने क्या किया, पैलेस्टीन को खारिज कर दिया, कहा कोई पैलेस्टीन वलेस्टीन, कॉरिडोर बना दिया, अरब कंट्री बैठ के सुन रही है, जी जी जी, कह रहा अरब वालों से कोई दिक्कत, बोले बाबूजी कोई दिक्कत ही नहीं। तो अगर आप रिस्क ले रहे हो, अगर आपको जीवन, जैसे कुछ लोग मुझसे बोलते हैं हमें तो भैया सेटल्ड जीवन चाहिए, तो चौकीदार हो जाओ, बहुत सेटल्ड जीवन है, 12 घंटे की नौकरी है, गेट के बाहर डंडा लिए बैठे, टोपी वोपी लगाए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, होली दिवाली में तुमको 4-5 डिब्बा मिठाई मिल जाएगी, वो भी वो वाली सोन पापड़ी, हाँ वो काजू बर्फी कोई ना देने वाला, तो बहुत बड़ा होगा तो देगा, चपरासी बन सकते हो तुम, पान की दुकान, ये सब कर लो। जब तुमने सपना देखा है, जब तुम रिस्क लेना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, और जवानी किस लिए, पार्क में बैठने के लिए, वहां सिर्फ 1 घंटे बैठो, वहां भी बैठो, वो भी अपने बच्चों को क्या कहानी सुनाओगे वो तुमको तो ओल्ड एज जनरेशन का मान लेंगे, अरे मरे हुए, मेरी तो पापा मरा हुआ है, कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, तुम्हारे लड़के तुमको ह्यूमिलिएट करेंगे। तो 1 घंटा, लेकिन वो 1 घंटा डिजाइंड होना चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब तुम्हारा जो वो दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो है वो एक मैच्योर मेंटेलिटी होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। मैं इलाहाबाद में भी टहल रहा था कंपनी गार्डन, तो सुबह 9 बजे कुछ लोग बैठ गए आके, लड़की का बाल पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रहे, और हमें तो बोलने का कोई अधिकार नहीं भाई, इंडिपेंडेंट कंट्री है, पर फिर मुझे लगा कि यार इनसे बोलना चाहिए, तो मैंने कहा भैया आप लोग बुरा मत मानना, क्या करते हो, तो लड़का तो कुछ नहीं बोला, लड़की ऐसे देखी, तुमसे मतलब, मैंने फेस वो सब कवर कर रखा था, मैंने कहा नहीं नहीं बेटा मतलब नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था कि अगर यहाँ तुम लोग बैठोगे 1-2 घंटे तो न्यूज़पेपर भी ले आया करो, बैठो पर न्यूज़पेपर ले आया करो, पढ़ा करो, एक दूसरे से डिस्कस किया करो, तो मल्टीपर्पज़ काम हो जाएगा। तो फिर उस लड़की ने कहा कि सॉरी अंकल, मैं कल से न्यूज़पेपर लेकर आऊँगी। दिशा ही तो बदलनी है ज़िंदगी में, सारा खेल डायरेक्शन का है, तुम करते सब कुछ हो, जब गलत तरीके से करते हो तो फेल होते हो, तरीका बदल दो चीज़ों को। हमारे कंट्री में लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, तब जिंदा किस लिए। हमारा वो ड्राइवर कहता भैया मैं तो दुबई नहीं जाऊंगा, मैंने कहा तुम जा नहीं पाओगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहता आदमी को हरिद्वार जाना चाहिए, अरे एकदम हरिद्वार कब जाना चाहिए, दुबई जाएगा सब पैसा लुटा देगा, भिखमंगा हो जाएगा, खुद ही जाएगा हरिद्वार, तुम उसे क्यों भेज रहे हो हरिद्वार, जाने दो उसे। ठीक है, आप इतनी सारी बातें हैं, आपने IAS की तैयारी की है, क्यों नहीं हुआ सर? अरे भगवान का आशीर्वाद है कि नहीं हुआ, अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं होता तो यहाँ मैं थोड़ी बैठा होता, किसी सचिवालय में बैठे होते, सचिवालय में फाइल वाइल, कोई मिनिस्टर का फोन आ रहा होता, ओ हो जा जी जी सर, ओ देख लेना फाइल, जी जी साहब, सर 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 सर। लेकिन IAS बनना बड़ी बात है, मैं उसको निगेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी, हिंदुस्तान में 1000 लोगों में अपना नाम लाना IAS में, तो कभी कभी फील तो होता है कि मेरा 100 रुपया गिर गया, लेकिन जब इधर देखता हूँ 1,00,000 रुपया तो मैं सोचता हूँ गिर गया अच्छा ही, तो मुझे लगता है कि अंगूर खट्टे थे। लेकिन मैं अगर IAS का विरोध करूँ तो अच्छा नहीं माना जाएगा, जब सुभाष चंद्र बोस IAS का विरोध करते हैं तो अच्छा माना, जब तुम कोई चीज़ अचीव करके छोड़ देते हो तो वो बड़ी प्रैक्टिकल बात होती है। तो फेल होने का रीज़न ये था, दो तो बड़े गहरे रीज़न थे, पहला रीज़न ये था कि मैं एक बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी, बहुत, आज भी मुझको लगता है कि कर लेंगे, और दूसरा मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहता हूं हर चीज में, खरगोश वाली हालत है कि देखा पीछे कछुआ चारा रहा है, बोले आ जाए। इन दो चीजों ने मुझे तब भी परेशान किया था, आज भी करती है, क्योंकि यही दो जिंदगी का सबक इन लोगों के भी काम आने वाले हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, होना ही नहीं, मेंस निकल गया बहुत अच्छी बात है, जब तक इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कोई डिसीजन नहीं लेना आराम से, और गैर जिम्मेदारी, मेरी आदत है चीजों को टाल देना, कल करेंगे। मेरे साथ
के कई लोग यहाँ बैठे हुए, मुझसे कोई बहुत बात होते हैं, साहब ये कर लो यार, 100 करोड़ का गा रहे हैं मैंने, हुमायूं वाली हालत है मेरी, ऐसी हालत हुमायूं की थी, एकदम एग्जैक्टली सेम हालत, टाल देना। और एक समय आया कि हिंदुस्तान उसके हाथ से ही निकल गया। तो मुझे कभी कभी क्या होता है कि दोबारा लड़ना पड़ता है खूब, जब मैं घिर जाता हूँ चारों तरफ, लगता है कि बस अब जिंदगी खतरे में पड़ गई, तब मैं खड़ा होता हूँ तलवार वलवार निकाल कहाँ। तो कवर अप तो मैं कर ले जाता हूँ, लेकिन उससे नुकसान बहुत होता है। वही चीज़ वहाँ भी हुई, दो चीज़ों ने बहुत नुकसान, एक गैर जिम्मेदाराना रवैया और ओवर कॉन्फिडेंस। तो आज भी मैं कभी कभी बोलता हूँ तो तुमको वो चीज़ की झलक आती होगी, जब कभी कभी वो आत्मा जिंदा हो जाए, हालांकि मैं कंट्रोल बहुत करता हूँ, लेकिन फिर भी। आपने पैसे वाला जिक्र किया, गूगल पर बड़ा सवाल पूछा जाता है आपके बारे में, कितना पैसा है वो 2000 सर के पास, ऑडी से चलते हैं, BMW से चलते हैं, पता नहीं क्या क्या दुनिया जहान की बातें, क्या वो 2000 सर IAS नहीं बने, कितने लोगों को IAS बनाया, लेकिन अब पैसा बहुत है उनके पास, अब वो लड़ेंगे चुनाव, करेंगे राजनीति, ये सब तो बस उनका साइड वाला बिजनेस है, क्या है सर ये सब? पैसा बता देंगे तो लोग फिरौती मांग लेंगे उसका तो उपाय दूसरा भी है फिर पैसा तो नहीं है, लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे और राजनीति भी करेंगे, और 24 का इलेक्शन आ रहा है, तो हलचल तो पैदा करना मेरी आदत है, तो एकदम लड़ेंगे। और तुम लोग को भी लड़ना चाहिए, जब तक पार्लियामेंट में तुम जैसे लोग नहीं आएंगे पढ़े लिखे, तुम लोगों ने जगह छोड़ दी तभी तो बाकी लोग अंदर चले गए, तो ठीक है, भगवान वो वेलकम मूवी है ना, तो उसमें शेट्टी कहता है कि भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है, इज्जत है, पैसा है, शोहरत, ठीक है, भगवान ने वो सब दे रखा है, वो सब प्रभु की महिमा है, क्योंकि मैं तो, मुझे आज भी कभी कभी फील होता है कि यार मैं डिज़र्व नहीं करता था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल अलग तरीके की रही, मैंने कभी पढ़ाई नहीं की 10th तक, 10th के बाद तो मास्टर वास्टर को बोल देता था कि देखो फालतू की बातें हमसे मत करना, ऐसा नहीं मतलब बदतमीजी की आदत नहीं थी मेरी, मेरा मानना ये है आज भी कि टीचर को ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट उसकी क्लास से निकले ही ना। जैसे हमारे एक टीचर थे एम्पति सर, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में, वहाँ वो बॉटनी पढ़ाते थे, तो मैंने एक बार मेडिकल की कोचिंग भी की थी, मैं उनकी क्लास कभी नहीं छोड़ता था, क्या पढ़ाता था वो आदमी, हम जो नॉन पढ़ने वाले लोग थे, मतलब जिनको मस्ती ही करनी थी, वो जाके सिंसियरली पढ़ते थे टीचरों को, क्योंकि बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है डॉक्टर और टीचर। जैसे हमारा डॉक्टर है फैमिली डॉक्टर योगेश वलेचा, मैं उनको जब भी मिलने आता हूँ कहते यार किसी की भी रिपोर्ट देखते हैं, बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, ऐसे आदमी 2 साल जीते अब उसमें भले ही कोई दिक्कत हो, लेकिन वो आदमी उस मोमेंट आदमी को मोटिवेट कर देता है। तो लेकिन हाँ, जब मैंने पढ़ाई शुरू की, अब तो मैं बिल्कुल कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, काम करना है तो करना है, और जिंदगी चूंकि उम्र के साथ साथ रोल भी बदलती रहती है। अब जैसे तेंदुलकर ने खेल लिया, विराट कोहली आ गए, विराट कोहली अब जाएंगे तो उसके बाद कोई और खिलाड़ी आएगा, तो हर व्यक्ति को एक समय पता होना चाहिए कि मैं कहाँ तक खेल सकता हूँ। अब मेरे बाद जो टीचर आ रहे होंगे, यंग टीचर, वो कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे होंगे, तो मानी सी बात है मैं थोड़ा सा किनारे होऊंगा टीचिंग लाइन में आने वाले 1-2 सालों के अंदर, तो फिर वो जब मैं साइडलाइन होऊंगा तब उस वक्त मुझे क्या करना है ये मुझे डिसाइड करना है। तो 24 वाला चुनाव लड़ेंगे? लड़ जाएंगे, वो ऐसी बात तो नहीं है, कसम तो नहीं खाया लोकसभा अपनी फिर संकट होगा नहीं, जैसे मोदी जी कहते हैं पूरा भारत मेरा, ऐसे मेरा भी पूरा भारत है। मोदी जी तो जिस शहर में जाते हैं उस शहर से उनका इतना पुराना नाता रहता है जितना कोई किसी की उम्र नहीं होती है। मेरा तो वैसे भी रहता है, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं तो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो किसी शहर में चला जाऊंगा तो मुझे वहां मिनिमम 1000 स्टूडेंट्स तो मिलने हैं कि सर आप यहीं रहो, यहीं पर इंस्टीट्यूट डाल दो सर, हम आपका वो बनवा देंगे आधार कार्ड तो मेरे लिए तो ज़्यादा ईजी है एज अ टीचर। लेकिन लोकसभा वही, क्योंकि आपकी लोकसभा और उसके आसपास की लोकसभा बड़ी चर्चा में रही है पिछले दिनों, आप जानते हैं मैं किधर बात कर रहा हूँ, बृजभूषण शरण सिंह वाली लोकसभा, तो बता दीजिए सर इनको कि हाँ अगली बार हमारे सर यहाँ के सांसद। बता रहा हूँ, ये वीडियो जब रिलीज होगी तो कम से कम 100 लोगों की नींद चली जाएगी
मैं यही तो चाहता हूँ, चूंकि 24 है कैंडिडेट अनाउंस होने वाले होंगे। बहुत लोग मुझे फोन करते हैं कि इतना पैसा कमाओ क्यों चुनाव लड़ोगे, पैसा लूट जाएगा। मैंने कहा तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन उनको दिक्कत है कि ये आदमी नशेड़ी टाइप का आदमी है। मुझे कोई काम करना है मतलब करना है, अगर मेरे दिमाग में एक बार कोई बात सेट होती है तो फिर मैं ये नहीं सोचता कि उसका प्रोस कॉन्स क्या है, मुझे करना है। हाँ, मैं ये सोच लेता हूँ कि यार इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे, इसका आउटकम क्या हो सकता है, इन पे होमवर्क मैं करता हूँ। पर फिर करने लगे तो फिर करने लगे तो लोकसभा तो डिसाइड कर लेंगे। पार्टी ही बता दीजिए। अरे पार्टी पे तो मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट लड़ेंगे बिल्कुल। हमें क्या जरूरत है किसी पार्टी से टिकट मांगने की, जरूरत ही नहीं है। हम तो सीधे जाके बोलेंगे कि देखो भैया हम तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव, हम ना तो किसी के चाचा बनेंगे, ना मामा बनेंगे, ना किसी के दोस्त बनेंगे। हम तो सीधे जनता को बोलेंगे भैया हम तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं पार्लियामेंट में, तुम्हारा काम करेंगे, तुमको जिताना हो तो मुझे वोट दे देना, नहीं तो मैं फिर क्लास में चला जाऊंगा। मैं इस तरह नहीं जाऊंगा कि भैया हम भाइयों बहनों मेरे, मैं आपका चाचा हूं, मैं आपका भाई हूं। ये नेता लोग फालतू की रिश्तेदारी बनाते हैं बेचारी सीधी सादी जनता से। कोई कहता मैं मामा हूं, कोई कहता मैं चाचा हूं, कोई कुछ बता रहा है, ये सब। सर पब्लिक इसी पे तो खुश होती है, कम से कम चलो विधायक है तो क्या हुआ, आज तो पैर पड़ रहा है, एक दिन एक ही दिन तो पैर पड़ रहा है, फिर तो गर्दन पकड़ेगा। अब लेकिन जो जनरेशन आ रही है वो बहुत अच्छी जनरेशन, इन लोग की तो और अच्छी जनरेशन आ रही है। मतलब हमें तो सबसे ज़्यादा जो आशा है वो इन लोग की जनरेशन से, कि इनकी जनरेशन आते आते ये इतने मैच्योर लोग हैं, इतने इनको पता है कि कौन कहाँ खेल रहा है, कास्टिसिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, मुझे क्या चाहिए। तो जिस दिन ये जनरेशन और डोमिनेंट हो जाएगी पूरी पिक्चर हिंदुस्तान की चेंज हो जाएगी। चलिए अब चूंकि सर ने आप लोगों की इतनी तारीफ कर दी, तो आप लोगों के जो सवाल हैं वो आप सर से पूछिए, फिर जो मेरे बचे हुए सवाल हैं वो मैं आप सर से पूछ लूँगा। हेलो सर, एज अ स्टूडेंट टू अ टीचर ऑफ हिस्ट्री, सर जैसे रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री की बात चलती है तो स्पेशली मिडिवल और मॉडर्न, आपके हिसाब से क्या एक इंडियनाइजेशन के तौर पे उसका रीराइटेशन होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया या साउथ हो गया, जो कवर हो नहीं पाते उसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली चक्कर क्या है ना कि जो भी टीमें होती हैं आमतौर पर ऐसा होता है कि हमने वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट टीम में तो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, कैप्टन, इन्हीं दो तीन लोगों की चर्चा होती है। जैसे वर्ल्ड कप का मैच खत्म हुआ फुटबॉल का, तो मैं तुमसे कहूँ फ्रांस के 6 खिलाड़ियों का नाम बता दो, बता लोगे? लेकिन एम्बापे का नाम तुम्हें पता होगा। अब तुम ये तो कह नहीं सकते यार भाई साहब पूरी टीम का योगदान नहीं था, योगदान तो पूरी टीम का ही था। मेसी जीता तो अकेले मेसी थोड़ी जीता, पूरी टीम जीती, लेकिन नाम सबसे ज्यादा किसका हुआ? मेसी का। ऐसे हिस्ट्री में भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना जिनका रोल बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनके आड़ में जो और लोग हैं। अब इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, इतने लोग हैं। जैसे तुम छुट्टी को ही ले लो, अब गांधी जयंती है, अंबेडकर जयंती है, अब सब धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं कि भैया हमारे महापुरुष को भी तो दो। फिर तो ऐसे 120 दिन कंट्री में छुट्टी हो जाएगी, 150 दिन, 365 हो जाएगी, उससे हो जाएगी ज़्यादा महापुरुष। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तुम्हारी पॉइंट बात करो, अब गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि जैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उस दिन हम गांधी जी के सम्मान में 2 घंटे और काम करेंगे, रिवर्स पॉलिसी मार देनी चाहिए। फिर देखो कितने लोग छुट्टी मांगने आते हैं। अंबेडकर जयंती के दिन हम सिर्फ ट्री प्लांटेशन करेंगे, गवर्नमेंट ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन कर दे, छुट्टी कोई नहीं होगी, सब ऑफिस आएंगे, सब काम करेंगे। तो रीराइटिंग होनी चाहिए समय समय पर, न्यू थॉट्स आते हैं, न्यू स्कूल्स आते हैं, न्यू स्टडीज आते हैं, उससे हमारा, जैसे अभी जो न्यू एनसीईआरटीज हैं, हमने जो एनसीईआरटी पढ़ी थी सतीश चंद्र, विपिन चंद्र वगैरह वगैरह, और ये जो अब एनसीईआरटीज हैं जो थीम बेस्ड हैं, हमने उस तरह सोचा नहीं था अर्बनाइजेशन। तो अगर ये रीराइटिंग नहीं होती तो ये नया स्कूल ऑफ थॉट कैसे आता? तो डेवलपमेंट ही तो लाइफ है, तो रीराइटिंग होनी चाहिए, पर उसका एजेंडा क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट, कि हम और चीज़ों को इम्प्रूव करें और आगे बढ़ें। आईफोन 15 आ गया ना, तो कुछ नए फीचर लेकर ही आया होगा, तो ऐसे डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसी रीराइटिंग होनी चाहिए, कुछ नए फीचर आने चाहिए, कुछ नई चीज़ें आनी चाहिए जो समाज को, सोसाइटी को, नेशन को डेवलप करें, होना चाहिए। जैसे हमारे कल्चर है, इंडियन हिंदू कल्चर है, इंडियन कल्चर है, टेंपल वम्पल कौन जानता है? हमने कितना निग्लेक्ट किया अपने टेंपल आर्किटेक्चर को, आयुर्वेदा को कितना निग्लेक्ट किया हमने,
हमारा लिटरेचर इतना रिच लिटरेचर है पूरी दुनिया का, मतलब लिटरेचर सबको पढ़ना चाहिए, मतलब तुम लोगों को लिटरेचर से तो जरूर लगाव रखना चाहिए। पोयम है, स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, मैं जब भी कभी परेशान होता हूँ कोई एक लाइन उनकी उठा लेता हूँ, प्रसादों के कनकाप शिखर होते कबूतरों के ही घर ना, जो बड़े बड़े महलों में लोग रह रहे हैं कितनी लग्जरी में रह रहे हैं, और लग्जरी आदमी को बर्बाद करती है, नेसेसिटी होनी चाहिए, लग्जरी नहीं। प्रसादों के कनकाप शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं दरारों में, रहता वो कहीं पहाड़ों में शैलों की फटी दरारों में। ये एक मैसेज है कि तुम्हारे सपने जितने बड़े हैं तुम्हारा संघर्ष भी उतना बड़ा होगा, जितना संघर्ष बड़ा होगा उतनी शक्ति पैदा होगी। तो रीराइटिंग होनी ही चाहिए, पर उसका मॉडल क्या होना चाहिए? आईफोन 15 वाला, कुछ तो बेहतर हो, ये मॉडल होना चाहिए। नमस्कार जी, मेरा नाम जावेद है। पिछले एक पॉडकास्ट में आपने कहा था कि पार्लियामेंट में आईएएस को होना ज़रूरी है, और अभी करंट सिनेरियो देखें तो अभी बहुत ही कम है, तो इसकी क्या वजह है? जनता की नासमझी समझें या फिर पढ़े लिखे लोग नहीं आ पा रहे हैं? नहीं, नासमझी तो नहीं है जनता की, लेकिन अभी तो कई सारे आईएएस ऑफिसर हैं हमारी पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग अब जा रहे हैं। जैसे तुम तमिलनाडु अगर देखो तो वहाँ पे एक बहुत एमर्जिंग लीडर है बीजेपी का, अन्नमलाई, आईपीएस था वो आदमी, ही वॉज एन आईपीएस, वेरी डायनेमिक ऑफिसर, कर्नाटक कैडर का ऑफिसर था, उसको सिंघम बोलते थे कर्नाटक में। तो ऐसे अब लोग टर्न हो रहे हैं। पहले क्या था कि लोगों को लगता था कि ठीक है यार नौकरी कर लेंगे, क्या ज़रूरत है बवाल करने की। अब मैंने कहा ना, तुम्हारी जनरेशन आ रही है, ये जो मिलेनियल्स थे ना, इनका ओरिएंटेशन ऑफ लाइफ ही अलग था। अब तुमको चाहिए इंडस्ट्री, अब ये जनजी ऑडियंस है। हाँ, अब तुम पूछोगे सरकार से कि हम कहाँ नौकरी करें, ऑक्सीजन क्यों नहीं है, दवा क्यों नहीं है, अब तुम क्वेश्चन करोगे, पढ़े लिखे लोग हो ना, और वो भी AI जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई नेता बदतमीजी किया फोटोशॉप करके लगा दिया कुत्ते के ऊपर बैठा हुआ, वो भी चिल्ला रहा कि अरे भैया सूडान उडान की आईडी से कहीं लगा दिया तुमने। एक लड़के ने मुझको फ़ोन किया, कहा गुरुजी हमसे बात कर लो, मैं बहुत मास्टर हूँ इस सब खेल का। अरे मैंने कहा भैया काय परेशान कर रहे हो, तो तुम्हारी जनरेशन तो दूसरे लेवल पर फाइट करेगी ना, तो आएंगे धीरे धीरे लोग, और तुम कोशिश करो कि तुम ही आओ, सिलेक्शन लो, क्योंकि हमें लोगों से अपील करने से अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहिए, एग्जाम्पल लोगों को बहुत प्रभावित करता है। आएंगे लोग धीरे धीरे, अब माहौल बहुत चेंज हो रहा, बहुत ज़्यादा, 24 तो नहीं लेकिन 29 का इलेक्शन इंडिया की डेस्टिनी को चेंज करेगा। तुम्हारी उम्र कितनी है? अरे फिर तो तुम वोट दोगे, चलो बताओ। गुड इवनिंग सर, सर आई हैव बीन योर स्टूडेंट सिंस अ लॉन्ग टाइम। सर यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल लाइक एस्पिरेंट्स लाइक मी एंड मैनी सच अदर्स, एज यू आर अ वेरी इन्फ्लुएंसल पर्सन, सो मैनी यूथ एस्पिरेंट्स एंड इवन पेरेंट्स फॉलो यू। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू योर सजेशंस व्हिच यू वुड लाइक टू प्रिफर टू गिव टू दिस जनरेशन एंड पेरेंट्स एज वेल। दुनिया में कुछ लॉज होते हैं, लॉज जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ऐसा लाइफ में भी, तो जिंदगी में एक लॉ है P=P। तुम अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज सेट करो। ये जितने भी लोग उलझे हुए हैं ना, इनके पास प्रायोरिटीज नहीं है, पहले क्या करना है फिर क्या करना है। जैसे तुम्हें बिना नींव बनाए छत बनाना है, पॉसिबल है? आज का युवा कितनी जल्दी डिप्रेस हो जाता, माय गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, कितना कमाते हो महीने का? नहीं कमाते तो नहीं है, तो मारा नहीं उसने तुमको? मारना भी चाहिए पटक के, कमाता नहीं। प्रायोरिटी सेट करो ना, फैमिली है, परिवार है, रिलेशंस हैं, सिर्फ आई लव यू कहने से थोड़ी चलते हैं। जब तक तुम डायमंड रिंग ना पहनाओ, तो भावना और इकोनॉमी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वाह हमारी वाइफ है, उसको मैं दिन में 10 बार आई लव यू बोलूं, तो तीसरे दिन बाद वो जांच कराएगी मेरा कि कुछ डिस्टर्ब चल रहा है ये आदमी। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना चीज़ों का, वो आदमी को समझना चाहिए। तो चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे जो भी हो, उनको प्रायोरिटी और पॉलिसी दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। प्लस पेरेंट्स को अवेकन होना चाहिए, अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने देखा
कुछ पेरेंट्स बोलते हैं आईएएस बेटा मेरा गोल है, बेटा मेरा सपना है, बस तुम किसी तरह आईएएस बन जाओ। किसी तरह कैसे बन जाए वो? कुछ लोग होते हैं ना पेरेंट्स कि बेटा मेरा सपना पूरा कर दो, तो तुम्हारी आंख निकाल के मुझे अपनी आंख में लगाना पड़ेगा। हर आदमी अपना सपना अपनी आंख से देखता है। कितनी प्यारी मूवी थी 3 इडियट। उस मूवी ने सबको मैसेज दिया, टीचरों को दिया, पेरेंट्स को दिया, स्टूडेंट्स को दिया, स्टूडेंट्स को दिया। वो मूवी मुझे तो लगता है कि वो मूवी एक ऐसी मूवी थी, मतलब जो रैंचो मॉडल है ना, वो क्या मॉडल है। इमीडिएट किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। शादी में जब पकड़ जाते हैं ये लोग खाना खाते हुए, अब तीनों टर्न होते हैं, तो तुम तीनों का बिहेवियर देखो, राजू और फरहान तो खत्म, लेकिन रैंचो इमीडिएटली अपने आप को वो करता मैनेज। पूछता किसकी तरफ से आया? कहता साइंस की तरफ से सर। यही तो पर्सनैलिटी है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अवेयर होना चाहिए, अपने जो बच्चे हैं उनसे बैठ के बात करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए, कहाँ जाना चाहते हो। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, तो उनका जो लड़का है वो जर्नलिज्म करना चाहता है, इधर इस फील्ड में आना, वो चाहते हैं नहीं तुम आईएएस ही बनो, और हमसे कह रहे थे कि इसको समझाओ। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि देख मैं तुझे कुछ समझाऊंगा, तुम समझना मत। क्योंकि जहां हमारा दिल लगता है उसका आउटपुट ही कुछ अलग होता है। सब पूरी कंट्री आईएएस बन जाएगी, ये लोग इंसान नहीं है, कितना रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं, ये जॉब नहीं है। आपको हर चीज से अवगत करा रहे हैं, आपको समाज का आईना दिखा रहे हैं, चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं अपनी, तो सारे जॉब हैं, सारे वो होने। माँ बाप को थोड़ा, अब 70s की जनरेशन नहीं है, अब जनरेशन AI की है, और ये बात माँ बापों को एक्सेप्ट करना चाहिए, बच्चों से बैठना चाहिए, बोलना चाहिए, बात करना चाहिए उन्हें। कभी कभी चूंकि बच्चों के, जैसे तुम्हारे और मेरे बीच में किस बात का फर्क है, एक्सपीरियंस का। जैसे मैं लड़कियों को बोलता हूँ, जो लड़कियाँ हैं स्पेशली उनको मैं बोलता हूँ, उनको मैं कहता हूँ कि देखो तुम लोग को आईएएस बनना चाहिए। लड़कियों को मैं बोलता हूँ कि तुम लोग को आईएएस बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि पावर ही है जो तुम्हें इस कंट्री में रिस्पेक्ट दिलाएगी। ये अमेरिकन सोसाइटी नहीं है, यहाँ आदमी कैपिटलिस्ट हो गया है पर माइंडसेट उसका फ्यूडल ही है। वो चाहता है मेरी जो पड़ोस वाले की वाइफ है वो बिकनी में टहले, और मेरी वाइफ। तो अगर तुमको इस कंट्री में इज्जत से जीना है तो तुम्हें पावर लेनी पड़ेगी। मतलब तुम्हें अगर लगता है कि मुझे ऐसा करना मैं कर ले जाऊंगी, तो तुम्हें करना चाहिए। तो लड़कियों को मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि तुम्हें करना चाहिए। और क्योंकि डाउरी है, अब IPS से कौन डाउरी लेगा? ले लेते हैं सर, लेकिन UP बिहार में अब भी वो रिच जो फैमिलियाँ होती हैं वो अपने सम्मान में देती हैं। इंडिया में डाउरी तो है ही है, उसके पीछे रिच फादर्स भी बहुत जिम्मेदार हैं। वो इतना शो करते हैं अपनी बेटी की शादी में, दामाद को हेलीकॉप्टर से बुला रहे हैं, तो वो बेचारा गरीब आदमी वो सोचता चलो चॉपर से नहीं बुला पा रहे हैं तो रथ को चॉपर बनवा दे। तो ये चीज़ है, खुलना चाहिए जनरेशन को, इंटरमिक्स होना चाहिए, बात करना चाहिए, और वो प्रायोरिटी और पॉलिसी तो एकदम परमानेंट फार्मूला है। सर जैसा कि आपने बोला कि आप 2024 के चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मैंने बोला नहीं मैं ऐसे तो क्या बदलाव सर आप देखना चाहते हैं अगले चुनाव के बाद? देखो मैं कुछ चीज़ें जिनमें जीवन में मैंने कभी बिलीव नहीं किया, उसमें से एक है वादा करना। वादा तोड़ने के लिए किया ही जाता है, लेकिन अगर गलती से मैं पार्लियामेंट में बैठ गया और दुर्भाग्य से कोई पद मेरे पास आ गया, तो मैं इस देश की जिसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन करूँगा वो है एजुकेशन। एग्जाम तो मैं ख़त्म ही कर दूंगा एकदम से, कि कोई एग्जाम नहीं होगा। इसका ये मैसेज तो नहीं है ना सर कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, वन नेशन वन एजुकेशन? जो बच्चों के ऊपर एक प्रेशर है, मैं देखता हूँ नर्सरी के बच्चे, नर्सरी में क्या बच्चा, क्या पता उसको IAS क्या होता है। सर ये हमारा लड़का IAS बनेगा, वो छोटा सा बच्चा, वो मुझे ऐसे घूरता रहता है कि भाई तुम भी टॉर्चर करो। मैं कहता नहीं बेटा आ जाओ। और कहता क्या होता अंकल IAS में? मैंने कहा शूटिंग सिखाते हैं, हॉर्स राइडिंग, मारना। अब मैं करूँगा प्रिपरेशन। तो मैं सब, क्योंकि किसी भी समाज, परिवार, देश में जब भी बदलाव आया है तो वो एजुकेशन की वजह से आया। तो मेरा सारा ओरिएंटेशन होगा एजुकेशन पे। एजुकेशन वाली बात चलिए सर, तो आप एक स्कूल खोलने वाले थे प्रयागराज में, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपकी बात हुई थी। नहीं मैं खोलने वाला हूँ, अभी उस पर काम चल रहा है, तो कुछ टेक्निकल चीज़ें रुकी हुई हैं इसलिए मामला थोड़ा सा रुका हुआ है।
बाकी मुझे स्कूल कॉन्सेप्ट क्या था वो उसका पूरा, चूंकि आप कॉन्सेप्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मेरा एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं विजन और विवेक, मतलब विजडम, मैं इसको ग्रो कराना, मैं चाहता हूँ कि जब एक लड़का मेरी क्लास में बैठ के पढ़े कि फंडामेंटल राइट क्या है और वो राइट टू इक्वालिटी पढ़े, तो उसको पता चले कि यार राइट टू इक्वालिटी किसके बैकग्राउंड में दी गई है, वो रटे नहीं, वो फ्यूडलिज्म का एक पिक्चर देखे। मैं उसके सामने अफगानिस्तान की फ़ोटो बनाऊंगा, फिर वहाँ के लोगों को दिखाऊंगा कि देखो अफगानिस्तान में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वो कहेगा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ कोई सिटीजन नहीं है। फिर इंडिया का मैप बगल में बना दूंगा, मैंने कहा हम यहाँ क्या हैं? सिटीजन है, तो सिटीजन है तो उनके राइट्स होंगे। तो मैं चाहूंगा कि उसका एक विजन डेवलप हो, पिक्चराइजेशन रटना नहीं है, इस मॉडल को मैं प्रमोट करना चाहता हूं। और एजुकेशन ही नहीं, उसकी पर्सनालिटी, कितने लोग हैं जो बोल ही नहीं पाते, जानकारी बहुत है उनके, बहुत जानकारी है। आजकल तो वैसे भी लोग सोशल मीडिया से डरते हैं। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई, बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हिस्ट्री में, उन्होंने मुझे भेजा, मैंने कहा हाँ अपलोड कर दो यूट्यूब पे। उसमें किसी ने नीचे लिख दिया कि अरे ये मास्टर क्या पढ़ाएगा, ये तो बरेली में चेन स्नेचिंग करता था। उन्होंने बेचारे ने वीडियो ही डिलीट कर दी, वो फोटो स्क्रीनशॉट वगैरह लिया और मुझको भेजा, रो रहे थे फ़ोन पे कि यार क्या देख रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो होगा ही, ये तो होना ही है, हमारी वीडियोस में पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, मैं तो लिख देता हूँ शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, और बताओ कुत्ता जब छत से भौंके तो उसको देख के सिर्फ मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पहुँच नहीं है ना। और यार पकड़ लिया उसने आके फिर तो डील कैसे करते हैं सर, क्योंकि आपकी ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है। मुझे मज़ा बहुत आता, कुछ तो मैं खुद ही ट्रोल कराता हूँ, मेरे अपने ट्रोलर्स हैं, मैं उनको मुद्दे देता हूँ, ये लो करो 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 जल्दी और करो, जैसे लादेन वाला। हाँ, क्योंकि जितना नाम बदनाम होने से होता है उतना नाम किसी और चीज से नहीं। बदनामी इज अ प्रिविलेज इन दिस कंट्री। तुमको अगर किसी ने कह दिया चोर हो, तुमने कहा हूं, तो फिर वही बैकफुट हो जाता है यार भाई साहब। और लड़कियों को तो और स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर तो और अटैक होगा, तो तुमको तो और होना चाहिए। तो ये ऐसी कंट्री है जहाँ पर तुम जितना, अगर तुम डिफेंसिव हुए कि नहीं नहीं भाई साहब मैं भाई साहब ऐसा नहीं करता हूँ, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने एक वीडियो में बोला है कि मैं चाहता हूँ चंद्रशेखर जो हैं कि यूपी के, वो प्रधानमंत्री बने। तो खैर ये अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फिर जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा कर रहे हैं या कभी किसान के पास जा रहे हैं या फिर कभी कूली बन जा रहे हैं, कहिए राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या ये उनके लिए नाइंसाफी नहीं होगी? मैं चंद्रशेखर आज़ाद को इसलिए कहता हूँ प्रधानमंत्री बनने के लिए, मैं चाहता हूँ कि वो दलित प्रधानमंत्री बने पहले, जिनके लिए लड़ रहे हैं, और जातिवाद को ख़त्म कर दें, मैं उनसे ये आशा रखता हूँ। राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे वो इस देश की जनता डिसाइड करेगी कि भाई अब वो जनता है, वो तो देख ही रही है सब कि भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो तुम जनता के ऊपर छोड़ दो। चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं ये चाहता हूँ कि भाई वो बने, उनको सब लोग वोट करें, उनकी पार्टी 400 सीट पाए और हमको अपना सलाहकार बना ले और वो जातिवाद को ख़त्म कर दे। और आप गृहमंत्री बन जाओ सरकार। नहीं नहीं, मैं तो सलाहकार बनने की बात कर रहा हूं। क्योंकि जगजीवन राम तो नहीं बन पाए, आप ये चाहते हैं कि कौन दलित नेता दिख रहा है सर आपको पूजा, चूंकि आप इतिहास के पहले, तो ये गलत है दलित नेता, हिंदू नेता, ब्राह्मण नेता कहना, अब तो चूंकि हम उस दौर से गुजर रहे हैं इसलिए ऐसी बातें होती हैं। मेरी मानना ही है कि नेता का मतलब है कि गांधी जी जब कोई मुद्दा बनाते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह 1930 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने जा रही लंदन में, अंबेडकर जी, मालवीय जी सब वहाँ मौजूद हैं, रैमसे मैकडोनल्ड प्राइम मिनिस्टर है, बुलाता है वो इन लोगों को, बुलाता है सारे लीडरों को, कहता है यार अगर गांधी जी को ना बुलाएं तो कुछ बुरा तो नहीं होगा। अरे बोले बाबू जी कोई बुरा नहीं होगा, ये अंबेडकर साहब 30% लोग इनके फॉलोवर हैं, बोले ये मालवीय 30% इनके, बोले ये जिन्ना साहब 30% इनके, बोले 90% के फॉलोवर तो यहीं पे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, कोई कांग्रेस से बात नहीं करेगा, खत्म। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं गई। और गांधी जी ने क्या मुद्दा उठाया, नमक सत्याग्रह। अब नमक मुसलमान थोड़ी कह सकता कि सफ़ेद है भैया, सफ़ेद जन्नत में उसके एक्सेप्टेबल नहीं है भैया। नमक तो एक ऐसी कमोडिटी है जिसको औरत को तो कम से कम खाना ही है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं लो बीपी का शिकायत होती है। इसको बोलते हैं लीडरशिप। हर आदमी तुमसे जुड़ा हुआ है, हर आदमी को लगता है कि तुम मेरे कॉज के लिए, तुम जनता के लिए लड़ रहे हो, देश के लिए लड़ रहे हो। बाकी तो जंगल में ऐसा होता है कि ये शेरों के राजा, ये हिरणों के राजा, ये भेड़ों के राजा हैं,
डेमोक्रेसी में, नेशन में ये थोड़ी होता है, वहाँ तो एक लीडरशिप होती है विद अ गोल, मिशन, ऑब्जेक्टिव। सर मेरा सवाल ये है कि इधर बीच एक टॉपिक चल रहा है अखंड भारत का, तो सर क्या आपको लगता है फिर से एक बार अखंड भारत हो पाएगा, ये पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ बातें बन के रह जाएंगी? नहीं नहीं एकदम पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमारा अखंड भारत का मतलब ये है सिल्क रूट पे कब्जा। देखो अखंड भारत यहाँ पे एक वर्बल कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट, रूट ए बी सी, नॉर्दर्न पाथ पूरा, फिर सिल्क रूट चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूरोप, फिर ये नॉर्दर्न पाथ तक्षशिला से लेकर पूरा बांग्लादेश। तो अगर तक्षशिला से लेकर बांग्लादेश तक हमारा पूरा एरिया बन गया, कॉरिडोर बन गया, तो साउथ चाइना सी फिर हमारा रहेगा, वो इंडो चाइना में हम बैठेंगे, वो पूरी बेल्ट जो है पैसिफिक की वो हमारे पास रहेगी। तो ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, आम जनता उसे नहीं समझ पाती। चाइना, चाइना क्या कर रहा है, सीपीईसी क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सिल्क रूट पर कब्जा ही तो है, और अगर सिल्क रूट पर चाइना कब्जा हो गया तो हम तो एनर्जी से स्टार्व हो जाएंगे, और अगर हम एनर्जी के लिए स्टार्व्ड हुए तो फिर हम तो उसकी मर्जी पे आ जाएंगे, हम तो उसके डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अखंड भारत इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ दिस कंट्री। तो नक्शे वाला नहीं है कि नक्शा खींच करके अफगानिस्तान तक ले जाते हैं कि समुद्रगुप्त वहाँ तक, नहीं नहीं नहीं, वो हम दोस्ती करके हाथ मिलाकर, या कोई उधर से आना चाहे, मान लो जैसे पाकिस्तान कहते हैं कि भैया हम वापस आ आओ, तो हम बुला लेंगे उन्हें कोई बात, पर वो बनना ही बनना है, तभी सबका विकास होगा, वैसे उसके बिना सब परेशान रहेंगे। सर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से सर जर्नलिज्म का छात्र हूँ। सर आप इतिहास पढ़ाते हैं तो सवाल इतिहास से रिलेटेड है कि सर 1947 से लेकर 2023 तक कोई एक इतिहास ऐसा जिसे पूरे देशवासियों को गर्व करना चाहिए और एक इतिहास ऐसा कि सबको शर्म करना चाहिए सर, आपके हिसाब से? सर देखो भैया परसों को दुबई जाना है आपको, सर यूथ फॉलो करता है सर आपकी बात? मैं निश्चित तौर पर, देखो बड़ी सारी घटनाएं हैं, बांग्लादेश की घटना है जिसको सबको गर्व करना चाहिए, एकदम गर्व करना चाहिए, मतलब एक अचीवमेंट है, पॉलिटिकल अचीवमेंट है, लिबरलाइजेशन है, ठीक है अच्छा मोड़ आया, फिर राजीव गांधी का जो हमारा वो था, बड़ी सारी घटनाएं, कोई एक घटना ऐसी स्पेशल, लेकिन मैं तो बांग्लादेश को अचीवमेंट मानता हूँ। और जिस पे हमें थोड़ा सा दुखी होना चाहिए, बाबरी मस्जिद नहीं गिरानी चाहिए थी यार, मुसलमान से आप ले ही लेते होंगे सर, वो हम ले ही लेते उनसे, हम उन्हें समझा ले आते, हम तो जाते डेलीगेशन बन के तो हम तो समझा ले आते कि देखो भैया, क्योंकि कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है ना वो किसी देश की कल्चर का, आर्किटेक्चर का एक हिस्सा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू के पक्ष में निर्णय दे ही दिया था, तो वो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, वेट करना था हमें कि रुक जाते, जब फाइनली निर्णय सारा साक्ष्य सारा एविडेंस सारा सबूत हिंदुओं के पक्ष में था, मिला उन्हें कि नहीं मिला, तो अगर नहीं गिराते तो कितना अच्छा होता भाई, हमारी पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान वो अपने मुसलमानों को कैसे भड़काएगी, ऐसे ही तो भड़काएगी कि ये देखो इंडिया काफिर लैंड, मस्जिद गिरा दिया, ये मौका दिया हमने उन्हें करने का। कितने दंगे हुए मुंबई तक, उसकी पूरी आंच पहुंची थी, ठीक है ना, धमाके हुए, नहीं करना चाहिए था वो, ऐसा मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी हमारे करियर की स्टार्टिंग हुई है तो काफ़ी मेरे दोस्त और मैं भी हम ऐसे हैं जो अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें कहाँ जाना है, जैसे अगर कोई एग्जाम भी तैयार, जा रहे हो घूमने? नहीं। अच्छा मतलब कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सा मतलब अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाए, मतलब कंफ्यूज हैं, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना ना। अच्छा ठीक, तो हाँ तो यही सवाल है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पहले मतलब डिसाइड कर लो कि क्या करना है और उसी पाथ में चलो, और कुछ लोग मतलब हमें ये भी सुनने को मिलता है कि अभी मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ें, अलग अलग फील्ड में जाके देख सकते हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बोलेंगे कि एक चीज पे रहें या फिर सब? अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन, ऐसे चार लड़के तुम्हारे सामने बिठा दिए जाए तो तुम किसको चुनोगे? कंफ्यूज होगी कि नहीं होगी? बस ये तुम लोहरी जनरेशन की प्रॉब्लम है, उसको कभी लगता है कि यार ये चीज बहुत अच्छी है, मतलब किसी ने चार बातें आईएएस की बता दी तो तुमको लगता है ओ ऐसा होता है, और सिंगम और कैप और गाड़ी और बत्ती, तुम्हें लगता है आईएएस बनना है। ये जो तुमने इतने सारे ऑप्शंस तो तुम खेलते हो, जैसे मैं लोगों को मना करता हूँ पहले ये लड़की देखने जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जाओ तो अकेले जाओ, क्योंकि जहां तुम पांच लोगों को लड़की लेके देखने गए तुम्हारी शादी नहीं होगी कभी, कोई ना कोई बोल देगा आँख बहुत छोटी है, अरे तेरी भैंस जैसी आँखें हैं तो उससे थोड़ी शादी करनी है, तुम कंफ्यूज नहीं हो,
तुमने बड़े सारे ऑप्शंस खोल दिए। तो जब तुम कभी आईएएस देखते हो उधर भाग जाते हो, जैसे कोई तुम्हें मिल गया आईएएस को सपोर्ट करने वाला तो तुम उधर भाग जाते हो, कोई जर्नलिज्म को सपोर्ट करने वाला तुम उधर भाग जाते हो, कोई एमबीए को सब ये हो रहा है तुम्हारे साथ। तो अब तुम्हें काम, और तुम्हें क्या है, खतरा हर जगह है, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ खतरा नहीं। तो एक बार तुम भागते हो उसका प्रॉफिट दे के, फिर जब तुम उसकी चैलेंज देख दो पीछे चले आते हो, बस यहीं ड्विंडल हो रहा। तुम एक डिसीजन लो कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी हॉबी क्या है, मैं किस, मेरी थॉट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, फिर एक डिसीजन लो। माँ बाप के साथ बैठो, तुम्हारे सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ बैठो, वो भी खासकर अर्जुन की जो लोग कृष्ण की तरह हैं। राय सबसे नहीं लेनी चाहिए, राय हमेशा उस आदमी से लेना चाहिए जिसका इंटरेस्ट तुम्हारे इंटरेस्ट से अटैच है, वो तुम्हें अच्छा राय देगा। तो उसमें माँ बाप का पहला स्थान होता है। या मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें लगा कि यार इसने मुझे जब भी राय दी अच्छी दी, ऐसे बात करके और एक चीज़ फाइनलाइज कर लो और फिर उसको करो। सर मेरा नाम सरवर रजा। सर आप जैसे सभी को बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं, ये सब कराते हैं, वो छोटे छोटे शहर से आते हैं, अभी कोटा में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? वो बच्चे प्रेशर कंपटीशन को लेकर है या फिर परिवार की तरफ से वैसा प्रेशर आ रहा है या वो तैयारी नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इशू बड़ा है सर, बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा इशू है। उसमें देखो कई बातें हैं, एक तो हमने रटने वाली पढ़ाई पढ़ी, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो रटने वाली है, रटने वाली पढ़ाई बहुत डिप्रेशन पैदा करती है, बहुत। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है रटने वाला, ये कॉन्सेप्ट ही खराब है। तो एक तो ज्यादातर लोग उस मॉडल से पढ़कर आए, दूसरी बात क्या है, पेरेंट्स बेचारे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं जानते कि प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, उस प्रेशर का मतलब क्या होता है। जैसे हमने, हमें किसी, कोई लड़का जैसे तुम हमसे मिलने आए, इसकी तैयारी को तुम हमसे मिलने आए, और तुमने कहा सर, क्योंकि हम जीवन में डेली कोई ना कोई चुनौती फेस करते हैं, और जब तुम मुझसे मिलने आए तो मुझे पता है कि तुम आज पढ़ के ऊब चुके हो और अब तुम्हारा दिमाग नेगेटिव मोड में तुम्हें ले आ रहा है, और तुम मेरे पास आए कि सर मन कर रहा छोड़ दूँ। अबे मैंने कहा परसों एक बाबा जी मिले थे, मैंने उनसे तुम्हारा नाम लेके पूछा, बोले थर्ड रैंक। तुरंत तुमको कहा सर चाय पी ले, आप पी लो चाय। माँ बाप पेरेंट्स इनका काम है मोटिवेशन डालना, ये क्या करते हैं अनजाने में। माता जी क्या करेंगी, भैया तुम्हारे पापा की बीपी बहुत हाई रहती है। हाँ हाँ भैया कल तो 400 थी। वो बेचारा 8 घंटा जो पढ़ के उठा है, जिसके दिमाग में इतना प्रेशर है, ये भी तो पेट है ना, उसने वो बात सुन ली कि पापा का बीपी हाई है, उसके ऊपर से वो टीचर, फिर कंपैरिजन, तुम आज तैयारी करने आओ, एक 3 साल पहले कर रहा है, दोनों में डिफरेंस होगा ना। ये हो रहा है कोटा में, कंपैरिजन, प्रेशर, दबाव, जबरदस्ती। और वो बच्चे चूंकि उम्र उनकी कम है भाई, 10+2 16 पे आदमी कर लेता है मैक्सिमम, तो 16 का बच्चा, उसका जो मैच्योर ग्रोन अप रेशियो वो कम है थोड़ा सा, उसी में वो बेचारा थक हार के टूट जाता एकदम से। सर मेरा नाम तौकीर है, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मेरा सवाल एक छोटा सा है, 2024 में आपके हिसाब से मेन मुद्दा क्या होना चाहिए? इसको सर थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें क्या, कि 2024 के चुनाव, 2029 के चुनाव, 2023 में जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में मुद्दा होना कैसे चाहिए? कुछ चीज़ें होती हैं जो पार्टियाँ डिसाइड करती हैं कि ये मुद्दा है, कुछ चीज़ें हम लोग भी डिसाइड कर देते हैं यहाँ बैठ के कि ये मुद्दा है, और जिनके मुद्दे हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उनका मुद्दा क्या है। उनको पता ही नहीं ना, उनको पता ही नहीं, जिनको मुद्दा देना है सरकार को उनको पता ही नहीं कि मुद्दा क्या है। तो 2024 का जो मुद्दा है वो बस एक ही होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम कर ही रही है, इंडस्ट्री पे भी काम करे, इन्वेस्टमेंट पे काम करे, जॉब पे काम करे, एम्प्लॉयमेंट पे काम करे, इन सब चीज़ों पे काम करे, बस पूरा कंसंट्रेशन ही सरकार उधर पलट दे। तो वो भाषणों में लंबे लंबे आंकड़े फेंक देंगे, कोई भी सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, 1000 रोजगार दे दिए, 1000 का फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आए, जमीन पे कुछ दिखेगा ही नहीं। वो गरीब आदमी जो वोट देने जा रहा है गांव को, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे यहाँ कागज नहीं। जैसे हमारे यहाँ बजट आता है हर साल, तो बजट किस लिए आता है? जनता को पढ़ने के लिए। कोई पढ़ता है कभी, देखे किसी को बजट पढ़ते हुए? मजबूरी में हम जैसे लोग पढ़ते हैं, हम जैसे लोग, हमें भी पढ़ना पड़ता है, हमें तो जरूरत है। हम अब जब जनता पढ़, तुमने अपने नौकर को 1000 रुपये दिया कि जाओ खर्चा है सामान ले आओ, वो आया घर, तुमने हिसाब ही नहीं मांगा, और ऐसा तुम लगातार करते चले गए,
तो तुम्हारे पैसे को मिसयूज करेगा कि नहीं करेगा? इस देश की जनता अपने प्रतिनिधियों से हिसाब ही नहीं मांगती, कहती पूछती ही नहीं। उसकी एक वजह और भी है कि जो इनकम टैक्स पेयर कम्युनिटी है उसकी परसेंटेज बहुत कम है। जब हम किसी चीज का पैसा देते हैं ना, जैसे तुम किसी फ्री की क्लास में पढ़ने गए, टीचर तीन दिन नहीं आया, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुमने 2 लाख फीस दी तो तुम कोचिंग में आग लगा दोगे कि पैसा दिए। तो मुद्दा तो मेरे हिसाब से यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कीमत पर। जिमी कार्टर, जो काम डेंग ज़ियाओपिंग ने चाइना में किया था, अब इंडिया को वो काम करने का समय आ गया है। बहुत चाइना ने कष्ट देखा, बहुत दुख झेला 1976 तक, और डेंग ज़ियाओपिंग आता है तुरंत जिमी कार्टर को बुलाता है अमेरिका से, गले लगाता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सब बदल जाता है चाइना। और तुम आज देखो चाइना की स्थिति क्या है। तो आज भारत को डेंग ज़ियाओपिंग मॉडल अपनाने का समय आ गया है, और अगर वो नहीं अपनाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर, जिस तरह मेरे सहपाठी ने कहा कि मतलब कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं डिप्रेशन से, या मतलब आपने रीजंस तो बहुत बताए कि कंपटीशन होता है या घर से प्रेशर होता है, तो सर अक्सर हमने देखा है कि बच्चे हार मान जाते हैं और छोड़ देते हैं या सुसाइड कर लेते, तो उस डिप्रेशन से बाहर किस तरीके से वो निकल सकते हैं? बच्चे ही नहीं हार मान जाते हैं, बुड्ढे भी हार मानते हैं, लेकिन बुड्ढों के पास जीने के बड़े बहाने होते हैं। गुड़िया की शादी नहीं हुई है, अभी मकान का छत नहीं पड़ा है, बच्चों के पास बहाना नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार युवाओं से इस देश के कहता हूँ कि देखो भैया, बादाम का तेल लगा रहे हो, बादाम का शैम्पू लगा रहे हो, बादाम का साबुन लगा रहे हो और खा रहे हो गुटखा। तो मैं इस देश के युवा से 2 बातें तो परमानेंटली कहता हूं। पहला, अपने मन की ताकत को बढ़ाओ। जितना शक्तिशाली मन, मैंने 3-4 फोटो रख रखी है। एक स्टीफन हॉकिंस की फोटो है, शरीर खराब है, मन स्ट्रांग है, नोबेल प्राइज विनर। एक दुर्योधन की फोटो है, शरीर स्ट्रांग है, मन खराब है, खुद भी खत्म हो गया, खानदान ही खत्म हो गया। एक कृष्ण की फोटो है, मन भी बैलेंस है, शरीर भी। ये जिंदगी अभी तो तुम लोग की जिंदगी शुरू हुई। तुम याद करो, जब तुमने 10th का एग्जाम दिया होगा तो मम्मी पापा ने क्या कहा था कि बेटा यहाँ परसेंटेज अच्छे आ जाएंगे तो जिंदगी बन जाएगी, आए ना? कोविड बैच। अच्छा, कोविड। फिर उन्होंने 12th में यही बात दोहराई कि 12th बेटा फाइनल। फिर क्या बोला कि बेटा अगर ITIM और यहाँ वहाँ हो जाएगा तो। अभी क्या बोलेंगे पता है? अभी तुम कुछ बन जाओगे फिर बोलेंगे देखो बेटा ठीक है पत्रकार हो गए हो, लेकिन जो जलवा टीना दाबी का है, जलवा तो, और तुम तो शेर खान हो फैमिली की, फिर तुम्हें एक चार्ज दे दिया। ऐसे जिंदगी हर कदम पे तुम्हें एक बार लालच देगी, एक तरफ चुनौती देगी और आगे बढ़ाती रहेगी। एट द एंड ऑफ द डे तुमको जाके पता चलेगा कि सब ने बेवकूफ़ बनाया। मतलब जब हम ट्रॉल होते हैं, अब जब ट्रॉलिंग होती है या लोग बहुत समाज है ना, तो तुम्हें कोई कुछ भी बोल सकता है, उनको राइट है। तो हमारे बड़े सारे कोलीग्स डर जाते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया, हमको तो जब पहली बार में ट्रॉल हुआ 2 बजे रात में फ़ोन आया, और फ़ोन करते ही अगले ने गाली देना शुरू कर दिया। हमें लगा ये कहाँ मिल गया यार, फ़ोन वोन बंद किया ना, मुँह धुला अपना, फ्रेश व्रेश, फिर आए, फिर घंटी बजी, फिर मैंने उठाया, फिर तो जो पलट के मैंने देना शुरू किया। फिर वो मुझसे कहने लगा भाई साहब देखो आप गलत भी करते हो, बदतमीजी भी करते हो। फिर वो भाई साहब पे आ गया, हमसे कह रहा था ये कट डालेंगे, मत डालेंगे, ये कट डालेंगे। हम कहते ना काटेंगे ना तुमको, मैं एक्सीडेंटल टीचर हूँ, मेरे साथ वो हिसाब किताब नहीं कि मुझसे बाबूजी गलती हो गई। अरे कोई गलती वलती नहीं, जो कर रहे हैं वो सही है, और बदतमीजी मत करना। तो मैंने ये देखा कि जिंदगी में हर कदम पे तुम्हें लड़ना होता है। तो जब हर कदम पे, और हर आदमी को लड़ना है, ऐसा नहीं किसी को, सबको, तो जब लड़ना है तो शक्ति पैदा कर लो। मेरी बेटी थी हॉस्पिटल में एडमिट थी, सिरिंज लगा हुआ था, उस वक्त ऐसा लगता है कि मार डालो डॉक्टर को। अब डॉक्टर भी बेचारा क्या करे, अब सिरिंज निकाला डॉक्टर ने, और फिर 1-2 घंटे बाद लगाया तो ब्लड का फ्लो हुआ, तो बेचारी इसे खड़ी हो गई। मुझे लगा कि अरे ये जिंदगी हर कदम पर संघर्ष है, हर कदम पर। उससे तुम तभी जीतोगे जब तुम्हारा मन और तुम्हारी शरीर दोनों मजबूत हो।
तो दो काम मेरी तरफ से करो, एक तो टिम रो की योग निद्रा डाउनलोड कर लो, बहुत प्यारी चीज है, और दूसरा सूर्य नमस्कार। बस दो काम, एक घंटा अपने आप को दो, और अगली बार हमारी तुम्हारी मुलाकात बीबीसी के चैनल पे होगी। आपसे बात हो और मिर्जापुर वाले गुड्डू भैया, अखंडानंद त्रिपाठी, इन कैरेक्टर्स का जिक्र ना हो तो मुझे लगता है कि वो बात पूरी हो नहीं पाएगी कंप्लीट। मैं इन अखंडानंद त्रिपाठी या गुड्डू भैया, ये बहाना है, जो बेसिक मकसद मेरा ये है कि आप व्यक्तिगत तौर पे खाली समय में सिनेमा देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और सिनेमा के कथानकों को किताबों की कहानियों के जरिए कैसे रिलेट करते हैं और कैसे पढ़ाते हैं। क्योंकि जब मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, आप ये कह रहे हैं कि जो गुड्डू भैया है वो कभी UPSC ही नहीं निकाल पाएगा, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं गुड्डू भैया की तरह, मतलब जिस तरीके से आपने उसकी समीक्षा की थी उस पूरे मिर्जापुर वेब सीरीज की, यहाँ पे बहुत सारे फिल्म पत्रकार भी हैं वो भी ऐसा नहीं कर पाए थे। नहीं, ऐसा है कि पर्सनैलिटी जितनी बड़ी होती है उसका पद भी उतना बड़ा होता है। जैसे जब तुम वो सीन देखो जब उसको मार रहे हैं ललित को, कितना बेवकूफ आदमी, फर्जी क्यों किसी के पीछे लगे हो, कितना कमाती हो, मिर्जापुर आओ, सैलरी गुड्डू भैया से कह, उस मुन्ना भैया से कह के बढ़वा देंगे, क्यों बदतमीजी कर रहे हो एक महिला से। अब मुन्ना उस वक्त इरिटेट होता है, लेकिन अखंडानंद इरिटेट नहीं होता, नहीं पूछिए पूछिए पूछिए, कहता नहीं हो गया, उसको पता है इसको बलि चढ़ाने लाए, इसकी अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। और जब वो वहाँ CM के सामने बैठा हुआ है तो तुम सारे कैरेक्टर का एक बार चेहरा देखो, जब उसकी किलिंग हो रही है, सिर्फ अखंडानंद है जो कूल काम एंड क्वाइट बैठा, इवन CM इंपेशेंट हो जाता है उसके चेयर पे, तुम देखोगे ऐसे ऐसे उंगली करता रहता है, उसका PS अनरेस्ट में आ जाता है। मुन्ना भैया तो उनका दोस्त मर रहा है तो वो मानी सी बात, जिसकी इतनी गहरी पर्सनैलिटी हो, इतना खतरनाक पर्सनैलिटी, फिर तुम देखो जब उसकी फैक्ट्री में आग लगा देते हैं, जो आदमी अपने नुकसान को अपने फायदे में बदल लेता हो, यहां लोग अपने फायदे को फायदे में नहीं बदल पाते, दोस्तों से झगड़ा कर लेते हैं, जिसके ऐसे सिम्टम्स हो, ऐसे जो आदमी अपनी बीमारी किसी और को बता दे, शर्मा से क्या शर्माना, कह रहा ये अब्दुल को परेशानी है, अब्दुल भी टेंशन में, मकबूल, हाँ मकबूल भी बेचारा टेंशन में आता। तो मैं वहां रीड करता हूं कि देखो ये पर्सनैलिटी बड़े बड़े अचीवमेंट्स दिलाती है, कूल काम शांत, क्योंकि तुम्हारा मन, कृष्ण को कहां गुस्सा आता है, तुम पूरी महाभारत उठा के देखो, एक दो बार शिशुपाल को मारते हैं वो भी मुस्कुराते हुए, तुम शिशुपाल वाली सीन देखो क्लिपिंग पड़ी हुई है, बलराम गुस्से में आ जाते हैं, युधिष्ठिर गुस्से में आ जाते हैं, अर्जुन गुस्से, कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, फिर उसकी जब 98 गालियां हो जाती हैं तो उसको टोकते भी हैं कि भैया 98, कहता मैं 100 दूंगा, फिर चक्र निकालते, मुस्कुरा रहे हैं। तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम किसी की हत्या कर रहे हो मुस्कुराते हुए, तुमने तो मूवी में देखा होगा गुस्से में फ्लैशबैक में जाते हुए, क्या कैरेक्टर है कृष्ण का, शांत, किसी भी परिस्थिति में शांत, वो कैरेक्टर हर आदमी का हो ही नहीं सकता। कितनी जल्दी लोग पैनिक करते हैं, जब भूकंप आता है तब देखो, अभी जल्दी 3-4 महीने पहले भूकंप आया था, एक भाई साहब ऐसा कूदे पैर ही टूट गया, अरे मैंने कहा कि भूकंप से नहीं, ज्यादातर लोग तो ऐसे उल्टी सीधी हरकतों से मर जाते हैं, लिफ्ट बंद हो जाती है, लोग अरे भैया लिफ्ट बंद हो गई अब गए हैं, अभी मैं लिफ्ट से उतर रहा था, हम थे हमारी वाइफ थी सब, बोले घुटन महसूस हो रही है, हमने कहा अब गए सब। जॉनसन एंड जॉनसन अब नई टाइप की लिफ्टें बनाता है, अब तो वेंटिलेटर्स वगैरह बनाते हैं, ऐसा कैसा काम होता। तो वो जब मैं चीजें वॉच करता हूं देखता हूं, जैसे मैंने रैंचो को देखा, क्या आदमी है, अब उसको एक नजर से कोई देखे तो वो पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं लगता, लेकिन वो समझने वाला है, पिक्चराइजेशन टॉप करता है, और सिर्फ पढ़ता नहीं नॉलेज को अप्लाई करता है, रैगिंग वाली सीन देखो, तो जो अपनी नॉलेज को यूज करता है, जो अपने पर्सनैलिटी को गार्डन में बैठ के नहा रहा है, जिससे उसके टीचर तक को इनफीरियोरिटी महसूस होती है, वो लास्ट में कहता नहीं वायरस कि ये पेन तुम्हारे लिए, जिसको किसी से ईर्ष्या ही नहीं है, तुम उसको देखो
वो जो चतुर्लिंगम है, ईर्ष्या ही नहीं है। कहता है मेरा पेन तो तुम ले गई यार, कहता है पेन, लास्ट में उसको फोन करता है फुंगसुक वांगड़ू। तो मैं सोचता हूँ, मैं जब पिक्चराइज करता हूँ उन कैरेक्टर्स को, मैं इमेजिन करता हूँ कि यार आईएएस ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता, तो मुझे वहाँ से थीम्स, और अच्छा उससे मुझे स्टूडेंट को समझाने में बड़ा आसानी होती है। जैसे मैंने अखंडानंद का यूपी बिहार तुरंत समझ जाता है, क्या समझ गया समझ गया समझ गया, पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, शांत होना है। सर सवाल यह है कि जैसे कहा जाता है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो इन्फॉर्मेशन और नैरेटिव के बेसिस पे लड़ा जाएगा, तो दुनिया भर की जितनी भी सरकारें हैं उनकी कोशिश रहती है कि जितना हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोग उतना ही कंज्यूम करें, तो जब आप पढ़ाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं या आपको एक डर रहता है कि मुझे कहीं राइट विंग लेफ्ट विंग वाला लेबल ना मिल जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए? वो तो ऑलरेडी मिल ही चुका है, पर चूंकि मैं दोनों पक्ष से बोलता हूँ इसलिए आज तक लोग कन्फ्यूज हैं कि ये है किस विंग का। फिर मैंने कहा ना कि मुझे तो सुमित सरकार पढ़ानी है क्योंकि वो भी डेवलपमेंट हो रहा है, विपिन चंद्रा भी पढ़ानी है, तो मेरे वीडियोस से वो अब वो विंग वाली बात नहीं निकालते, वो मेरे वीडियो से कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स निकालते। वो तो चंखे निकालेंगे ना सिर्फ एक लाइन, वो पढ़ाने वाले मुद्दा नहीं निकालते, वो जो कंट्रोवर्शियल मेरे स्टेटमेंट्स, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि भाई बाबरी मस्जिद नहीं गिरानी चाहिए, उसको अब निकाल लेंगे, गिलानी फील हो रहा है इसको, ये सब करते हैं। मुसलमानों के मसीहा बन रहे हैं, मुसलमानों के मसीहा बन रहे हैं, रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। पर अगर हम नहीं बोलेंगे मुसलमानों की तरफ से, तो वो असफाकुल्ला खान जैसे लोग, वो एपीजे कलाम जैसे लोग, वो अब्दुल हमीद जैसे लोग, वो सिराज जो बॉलर है इंडियन बॉलर, तो अगर वो मुझे सुनेगा तो उसको लगेगा कि यार मेरा ये हिंदू भाई हमारी तरफ से बोलता है, तभी तो इंटीग्रिटी बनेगी, तभी तो इंटीग्रिटी बनेगी, तभी तो उसको लगेगा कि नहीं यार हम इस देश में अकेले नहीं हैं, हमारी तरफ से भी बोलने वाले लोग हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ। हेलो सर, मेरा नाम आकांक्षा है, मेरा क्वेश्चन आपसे रिजर्वेशन पर है। मतलब आप जैसे बोलते हैं यूपीएससी के भी स्टूडेंट होते हैं और बहुत सारे पीछे बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं, तो उसमें रिजर्वेशन क्यों दी जाती है स्टूडेंट को? रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, बट एक चीज़ होती है ना कि जब स्टूडेंट को आप ट्रीट कर रहे हो तो सारे स्टूडेंट को इक्वल ट्रीट करो। आप किसी को 50% रिजर्वेशन दे रहे हो और किसी को 10% रिजर्वेशन भी नहीं मिल रही है, दोनों स्टूडेंट एक ही चीज़ की तैयारी कर रही है। मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, उसकी 60% में सिलेक्शन हो रही है और मेरी 80% में सिलेक्शन नहीं हो रही है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों इतनी रिजर्वेशन को इतनी रिजर्वेशन दो आप? मैं मना नहीं कर रही हूँ गवर्नमेंट से कि रिजर्वेशन आप मत दो, बट एज एजुकेशन बेसिस पे मत दो। अगर आपको ट्रीट करना है तो सारे स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करो। चलो खैर, ये बात तो मैं तुम्हारी पहुँचाऊँगा संसद तक, लेकिन मैं एक सोल्यूशन हमेशा बोलता हूँ, जिसको भी चाहिए कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए या इकोनॉमिक बेसिस पे हो जाए, उसको कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बहुत सिंपल तरीका है रिजर्वेशन खत्म करने का, जिस दिन अपर कास्ट इंडिया का कास्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाएगा ना, लोअर कास्ट रिजर्वेशन छोड़ देगा, कहेगा जाओ ठीक। बात सोचो बड़ी सिंपल सी, कि चंद्रशेखर रावण कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, अंततः लोग उसको दलित ही तो कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, वो भी तो इंडिया का सिटीजन है, कहीं ना कहीं तो उसको अंदर से फील होता ही होगा ना, जैसे हम तो फील करते हैं ना इस बात को कि यार जो लोअर कास्ट का आदमी है आज भी हेजिटेट करता है अगर कास्ट बताने की बारी आती है तो। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, जब कभी कभी हम ऐसे समाज में पढ़ते हैं, ऐसी जगह पढ़ते हैं जहाँ लोग ज़बरदस्ती कास्ट पूछते हैं, यार तुमने बता दिया मेरा नाम आकांक्षा है, तो कुछ लोग फिर वहां पर रुकते नहीं। आकांक्षा, अच्छा तुम्हारे पिता का नाम कुलदीप, नहीं नहीं पूरा नाम क्या है? तो वहां पर वो आदमी आज भी फील करता है अपना कास्ट बताने में। तो जब इंडिया एक नेशन है, हम उसके सिटीजन हैं, हम सब इंडियंस हैं, तो कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने में क्या जाता है? जहां कास्ट सिस्टम खत्म, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म, इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन में सब आ जाएंगे, हो गया सोल्यूशन। हेलो सर, मेरा नाम दीपांशी है। मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई, एल्डर ब्रदर्स, दे ऑल आर इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स,
तो वो लोग कहते हैं कि मेरा जो भाई है वो कहता है कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मम्मा पापा या फिर मेरे रिलेटिव्स कहते हैं कि पढ़ाई के साथ करो, मतलब बैचलर्स के साथ साथ या मास्टर्स के साथ साथ आप अपनी यूपीएससी की तैयारी करो। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स होने के बाद करो। लाइक इसमें विच इज़ द बेटर वे, मतलब कौन सा अच्छा तरीका है, मतलब जहाँ पे इंसान कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकता है, या फिर वो अपने मास्टर्स के साथ साथ यूपीएससी पे भी कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, या फिर उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी? सिंपल यह कि यूपीएससी की तैयारी कब करनी चाहिए। अगर टेंथ के बाद ह्यूमैनिटीज छोड़ दी है तो ग्रेजुएशन में करनी चाहिए, क्योंकि 3 साल का समय है, तो तुम्हारा फाउंडेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हें पता होगा लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड, इनर्शिया, एक्सेलरेशन, ये सब शब्द तुम्हें पता होंगे, सुल्तान का मतलब क्या होता है, बादशाह का मतलब क्या होता है, ये सब तुम्हें पता हो जाएगा। फिर जब तुम कोचिंग में बैठोगे ना, तो तुम ब्लैंक नहीं होगे, फाउंडेशन तुम्हारे पास होगा, बेस तुम्हारे पास होगा, तो कोचिंग से तुम कनेक्ट करोगे। तो 2 साल तुमने बेस तैयार कर लिया और लास्ट ईयर में तुमने कोचिंग ज्वाइन कर ली, तो 3rd ईयर तुम्हारा कंप्लीट हुआ, कोई एग्जर्शन नहीं, कोई बर्डन नहीं, तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई। तुम कॉलेज से बाहर निकले, तुमने 1 साल जमकर प्रैक्टिस की मेंस और प्रीलिम्स की, और फिर जाके पहला अटेम्प्ट दे दो। और अगर बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो भी कर रहे, ह्यूमैनिटीज जिसने नहीं पढ़ी है उसे ग्रेजुएशन से करनी चाहिए। सर जाते जाते आखिरी सवाल एक आपसे, और वो जुड़ा है सिनेमा से, क्योंकि हमारे जितने भी आइडियल होते हैं, जो भी हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, हम उनको कहीं ना कहीं अपने सिनेमा में देखना चाहते हैं, या सिनेमा के जरिए हम अपने आइडियल्स बना लेते हैं, या जो हमारे आइडियल होते हैं उनको हम सिनेमा में देख लेते हैं। क्रिकेटर्स के धोनी होंगे तो उस पर फिल्म आ गई, एक टीचर थे आनंद कुमार हैं, हाँ, सुपर 30 वाले, बिल्कुल उन पर भी एक फिल्म आ गई, कैरेक्टर किया ऋतिक रोशन ने। आप भी बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं, आप पे फिल्म आएगी तो आपका कैरेक्टर कौन करेगा? पंकज त्रिपाठी। एसेंट है ना, एसेंट है, और फिर वो जो फिजिकल मूवमेंट है ना, आंखों का, बॉडी एक्शंस जो हैं, वो काफी कुछ मुझे लगता है कि बहुत कुछ मेल खाता है, तो मुझे लगता है राइट आदमी रहेंगे। तो मैम भी बैठी हुई है, उनका भी वो बता दीजिए। उनका बता के झगड़ा थोड़ी करना है। तो चलिए इसी नोट पे हम सर इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। बहुत लंबी बातचीत रही आप लोगों के साथ, सर ने तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की, इतिहास से जुड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश की, यूपीएससी से जुड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश की, और बाकी इस वीडियो को अपलोड होने के बाद जो दर्शकों के सवाल होंगे वो हम एक बार लेकर फिर सर के साथ हाजिर होंगे, और तब फिर हम आपसे बातचीत करेंगे, फिर उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो अगले हफ्ते इस स्टूडियो में फिर से हमारे साथ एक नए मेहमान होंगे, तब तक इंतज़ार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।